हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपोजिशन स्कीम एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आता है बेटा, एंड नवंबर 2019 के अटेम्प्ट के लिए खास तौर से स्पेशली इंपॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज इसमें कई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुई है थ्रू CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। सो बेटा, इसकी अमेंडमेंट हमारी जो अमेंडमेंट बुकलेट पार्ट वन हमने इशू किया था उसमें है। तो आप अपनी अमेंडमेंट बुकलेट पार्ट वन इंडेक्स में से कंपोजिशन स्कीम पेज नंबर देखिएगा एंड अकॉर्डिंगली इनसाइड उस पेज नंबर पर आ जाइएगा जहां कंपोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट डिस्कस्ड है। स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है अब। सो अमेंडमेंट बुकलेट में चैप्टर नंबर 4 इज देयर, जिसमें हम आपकी डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम की अमेंडमेंट सेक्शन 10। लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, इस लेक्चर को सुनते टाइम खास तौर से आप फुली अटेंटिव हो जाइएगा, बिकॉज कई छोटी छोटी बातें हैं जिस पर सिग्निफिकेंट डिस्कशन की ज़रूरत है। चलिए जी, सेक्शन 10 में कई बातों को लेकर के अमेंडमेंट हुई है। मैं आपको सेक्शन 10 थोड़ा सा पहले जो आपने पढ़ रखा है वो स्लाइटली मैं रिवाइज कराता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम बेसिकली होती क्या थी, कुछ उसकी की बातें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो बेटा, स्क्रीन पर मैं दो एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, दो सप्लायर बेसिकली मैं आपको यहाँ कंपेयर कराऊंगा। GST में लेट्स सपोज हमारे पास एक है मिस्टर राम। ये मिस्टर राम बेटा हमारे GST में रजिस्टर्ड पर्सन है, और लेट्स सपोज इनका जो बिजनेस है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये दो प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। एग्जाम्पल के लिए हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि लेट्स सपोज ये दिल्ली के सप्लायर है और इनका काम भी सिर्फ दिल्ली का है, और ये दो प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं जिसमें से प्रोडक्ट ए पर एप्लीकेबल GST की रेट एज नोटिफाइड बाय द काउंसिल इज 12% एंड प्रोडक्ट बी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल रेट इज 18%। अब बींग अ रजिस्टर्ड पर्सन, ये जब सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ए को, तो बेटा एज अ रजिस्टर्ड पर्सन ही सपोज टू रेज टैक्स इनवॉइस फॉर द सप्लाई। सेक्शन कुछ मैं बोलूंगा, आप कलेक्ट करिएगा। टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ये कहता था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका उसे टैक्स इनवॉइस काटना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ए जब भी सप्लाई करेंगे कस्टमर को, टैक्स इनवॉइस पर करेंगे 31(1). अच्छा, टैक्स इनवॉइस में हम सामने वाले से अब क्या चार्ज करेंगे, उस गुड्स के लिए हम जो भी सेल प्राइस वैल्यू ले रहे हैं वो चार्ज करेंगे, एंड साथ में जो GST लायबिलिटी बनेगी, GST लायबिलिटी कितनी बनेगी, वैल्यू का 12%, वो हम साथ में लेकर के ये टोटल प्राइस के साथ सप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट बी को जब हम सप्लाई करेंगे सिमिलर बेसिस पर, प्रोडक्ट बी के लिए हम सेल प्राइस ले रहे होंगे, और प्रोडक्ट बी की सप्लाई पर जो GST लायबिलिटी सप्लायर की बनेगी 18% के हिसाब से वो लिखी जाएगी, और ये टोटल इनवाइस वैल्यू के हिसाब से प्रोडक्ट की सप्लाई की जाएगी। एंड जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल सप्लायर को मंथली बेसिस पर सरकार को GST रेमिट करना होता है, तो महीने में जितनी भी उन्होंने प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी की सप्लाई करी विद देयर रिस्पेक्टिव GST लायबिलिटी एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस, वो जो होगा वो महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख तक जो होगा ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे विद देयर रिटर्न GSTR 3B प्रेजेंटली। ठीक है जी, ये हमारा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, और ये जो मिस्टर राम अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये लायबिलिटी डिस्चार्ज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो इंटरस्टेट सप्लाई करने पर सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन में आपका GST पेबल बन रहा है। आपने प्रोडक्ट ए बेचा, सेक्शन 9(1) के हिसाब से इसके ऊपर ये 12% का GST आया, आपने प्रॉपर इनवॉइस काट दिया। बी बेचा, सेक्शन 9(1) के हिसाब से इस पर 18% का GST आया, आपने इसका भी प्रॉपर टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31(1) के हिसाब से काटा, काम कर दिया, और बाद में मंथली बेसिस पर ये टैक्स जो था वो गवर्नमेंट को दे दिया। अच्छा, नाउ इफ वी मेक एन इमीडिएट कंपैरिजन ऑफ दिस मिस्टर राम विद मिस्टर श्याम, विद द डिफरेंस मिस्टर श्याम इज रजिस्टर्ड बट ही इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन सप्लायर। ही इज रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिशन सप्लायर, इससे मेरा मतलब क्या है, इसने कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट में जो बनी हुई थी उसके लिए ऑप्ट किया।
आप जानते थे सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम में कौन पर्सन आ सकता है, कीवर्ड्स याद रखते हैं, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ने बताया था कंपोजिशन स्कीम हर एक पर्सन के लिए नहीं है, ये बेसिकली है सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज वालों के लिए। दूसरी बात, जो सप्लायर ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी हर एक आदमी स्कीम में नहीं आ सकता, ये बेसिकली छोटे लेवल के सप्लायर्स के लिए बनी है, तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर विद इन स्पेसिफाइड लिमिट होगा वही स्कीम में काम कर सकते हैं। अच्छा बेटा, जो स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर होती थी वो अमेंडमेंट से पहले तक 1 करोड़ होती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद वो एनहांस करके 1 करोड़ की बजाय 1.5 करोड़ कर दी गई है। कहने का मतलब अब ज़्यादा लोग इस कंपोजिशन स्कीम में काम कर पाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट अमेंडमेंट, कंपोजिशन की लिमिट एनहांस कर दी गई है, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन अभी रुक के करूँगा। फिर उसके बाद ये कहते थे अब अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज वाले हैं और विद इन लिमिट ही आपका काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आपको ये स्कीम मिल जाएगी। कुछ डिसक्वालिफिकेशंस और भी मेंशन थी जिसको अभी मैं अवॉइड करता हूँ, मैं सिंपली अभी बात करता हूँ। फिर ये कहते थे अब आप जब कंपोजिशन स्कीम में होंगे तो कंपोजिशन स्कीम में आपको लायबिलिटी ऊपर जो सेक्शन 9(1) के हिसाब से दे रहे हैं वैसे नहीं देनी, आपको अपनी लायबिलिटी कैसे देनी है इस स्कीम में, सेक्शन 10 ये बताता था, अब आपके ऊपर जो एप्लीकेबल रेट्स रहेंगी वो रेट्स ऊपर वाली रेट्स नहीं होंगी, रेदर देन कंपोजिशन स्कीम में आपको रेट्स स्पेशल रेट्स लगती थी जिसको गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू प्रेस्क्राइब करती थी, रूल नंबर 7 कंसर्न रूल होता था बेटा। और जो कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स रेट प्रेस्क्राइब थी वो बेटा सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 1% स्पेसिफाइड थी एंड रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज वाले जो सप्लायर्स थे उनके लिए 5% की रेट स्पेसिफाइड थी। अगर आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराते टाइम ये बताना होता था कि आप स्कीम में काम करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1। आप रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में बोलते थे आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है और आपने ये डिसाइड किया है आप स्कीम में काम करना चाहते हैं, आपको एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड कर लिया जाता था। और अब कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड होने के बाद आप काम कैसे करते थे, अब जब आप प्रोडक्ट ए बेचते थे तो प्रोडक्ट ए बेचते टाइम आपको टैक्स इनवॉइस नहीं काटना होता था, आपको बिल ऑफ सप्लाई काटना होता था, ये बात सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 में लिखी गई थी। आप टैक्स इनवॉइस पर काम नहीं करेंगे, आप सेक्शन 31(3) में बिल ऑफ सप्लाई रेज करेंगे। और ये बोला जाता था ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि इस स्कीम में आपसे अब 12% प्रोडक्ट ए पर जैसे टैक्स रेट है आपको 12% नहीं देना, आपको सिंपली स्पेशल रेट 1% देनी है। आपने प्रोडक्ट बी बेचा होगा इसके ऊपर 18% का जीएसटी, बट आपको 18% नहीं देना, आप तो कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको सिंपली 1% का जीएसटी जो है वो भरना है। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन में आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, नॉर्मल सप्लायर जिस प्रोडक्ट को सप्लाई करता था उस पर रिस्पेक्टिव रेट के हिसाब से जीएसटी पे करता था, लेकिन कंपोजिशन सप्लायर जो होता था वो प्रोडक्ट पर क्या रेट है उसको नहीं देखता था, प्रोडक्ट पर 12 हो 5 हो 18 हो 28 हो कोई मतलब नहीं है, कंपोजिशन सप्लायर वाला एक फ्लैट रेट, वो रेट जो कि स्कीम में स्पेसिफिकली अलग से नोटिफाइड थी, उस रेट के हिसाब से अपना टैक्स लायबिलिटी जो था वो पे करता था। और स्कीम ये कहती थी भाई साहब आपने ए बेचा या बी बेचा आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको तो दोनों पर ही एक सेम रेट से टैक्स देना है। तो स्कीम सिंपली ये कहती थी सुन लो आप क्वार्टरली बेसिस पर पे करोगे, स्कीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था, छोटे लोगों के लिए बनी है ना, तो मंथली बेसिस पर नहीं क्वार्टरली बेसिस पर इनसे पेमेंट ली जाती थी और बोला जाता था क्वार्टर में एज अ कंपोजिशन सप्लायर आपने जितना भी टर्नओवर किया भले ही वो ए का हो 12% वाले का, भले ही वो बी का हो 18 वाले का, भले ही वो किसी और का हो 5% वाले का, उस टर्नओवर का 1% आपको जो है वो पे करना होता था। ध्यान रखिएगा दिस इज सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) एलिजिबल पर्सन्स
जो कंपोजिशन स्कीम की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते थे उनको अपने टर्नओवर का 1% फ्लैट रेट गवर्नमेंट को जो है वो पे करना होता था। स्कीम में आने के क्या क्या इंसेंटिव्स थे, एक तो आपको क्वार्टरली पेमेंट कर दी गई थी, दूसरा क्या था कि आपको ये स्पेशल मेथड ऑफ टैक्स लायबिलिटी दिया गया था, फ्लैट रेट टैक्सेशन। आई होप इतना सबको क्लियर है। अच्छा जी, क्या सर स्कीम में आने के कोई डिसएडवांटेज भी थे? बिल्कुल थे। स्कीम में अगर आप आते थे तो नंबर वन बात, आप स्कीम में अगर आओगे तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि स्कीम में जो होंगे वो लोग आईटीसी नहीं लेंगे, विदाउट आईटीसी काम करेंगे। दूसरी बात, ये जो 1% का टैक्स है ये वो अपने कस्टमर को अलग से चार्ज नहीं करेंगे, ये वो अपने प्रॉफिट मार्जिन से ही मेट आउट करेंगे। सेक्शन 10 में ये शर्त लगाई गई थी। दो शर्तें, नंबर वन, एक तो आप अपनी परचेजेस पर कोई आईटीसी नहीं लेंगे, दूसरा आप अपनी ये जो भी टैक्स लायबिलिटी है ये टैक्स लायबिलिटी सामने वाले से चार्ज नहीं करेंगे, आप टैक्स इनवॉइस नहीं रेज करेंगे उसे शोइंग दिस जीएसटी, रादर देन आप ऑल इंक्लूसिव प्राइस बिल ऑफ सप्लाई के तौर पर उसे मेंशन करेंगे और जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसी में से 1% जो होगा वो आप पे करेंगे। सर मैं स्कीम में क्यों आऊँगा, तो बेटा उन्होंने बोला था ये स्कीम ऑप्शनल है, सिंप्लिसिटी के एंगल से बेसिकली डिजाइंड है, अगर आपको सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप स्कीम में काम कर लो, अदरवाइज आप नॉर्मल पर्सन के तरीके से काम करो। सेक्शन 10 वाज वेरी क्लियर दैट दिस स्कीम इज ऑप्शनल। एम आई क्लियर? ठीक है जी। अब सुनिएगा बेटा जरा स्पेशल सी बात, ये दो डायग्राम आपको रफली बता देते हैं कि एज अ नॉर्मल पर्सन जब आप काम करते हो तो टैक्स इनवाइज बेस पर काम करते हो एंड प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिव लायबिलिटी देते हो, पर आप एज अ कंपोजिशन सप्लायर जब काम करते हो तो बिल ऑफ सप्लाई पर काम करते हो एंड प्रोडक्ट की रिस्पेक्टिव लायबिलिटी ना दे करके टर्नओवर का 1% फ्लैट रेट के हिसाब से जीएसटी पे करते हो। ठीक है जी। अच्छा, अमेंडमेंट क्या है? अब अमेंडमेंट के एंगल से बात करूं तो बेटा जो आदमी कंपोजिशन स्कीम में नहीं है उसको हम बोलते थे नॉर्मल सप्लायर, रेगुलर सप्लायर, और वो ये जो 12% या 18% देता था वो लायबिलिटी देता था सेक्शन 9 की लायबिलिटी, सेक्शन 9 के हिसाब से लायबिलिटी जो बनी। कंपोजिशन वाला, कंपोजिशन सप्लायर वो जो लायबिलिटी देता था वो देता था सेक्शन 10 की लायबिलिटी। ठीक है जी। अब सेक्शन 10 में ये जो 1% दिया गया है क्या ये भी टैक्स है? आंसर इज यस। वो सेक्शन 9 में दिया गया नॉर्मल टैक्स है और ये 1% जो है वो सेक्शन 10 में दिया गया कंपोजिशन टैक्स है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है पर कुछ लोग इसके ऊपर बात करते थे कि ये सेक्शन 10 में जो पे किया जा रहा है क्या ये भी टैक्स है? आंसर एब्सोल्युटली यस है। इस बात को लेकर के सेक्शन 10 में क्लेरिफिकेशन इंसर्ट कर दी गई है कि सेक्शन 10 में भी जो आप दे रहे हो वो टैक्स ही दे रहे हो। दूसरी बात सुनिएगा बेटा, अब मान लीजिए ये जो दोनों पर्सन हैं, मिस्टर राम हो या मिस्टर श्याम हो, लेट्स सपोज इनकी परचेजेस की तरफ बात करते हैं। मिस्टर राम ने कोई परचेज करी एंड लेट्स सपोज प्रोडक्ट बी की परचेज उसने करी और वो परचेज ऐसी है जिस पर आरसीएम जीएसटी के लॉ में बनता है। आई होप अगर आपको याद आता हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम, इसकी स्टोरी क्या होती थी बेटा, इधर है सप्लायर और इधर है रेसिपिएंट। अगर एक सप्लाई ट्रांजेक्शन हो जिस सप्लाई ट्रांजेक्शन का जीएसटी सप्लायर से ना लेकर के रेसिपियंट से लिया जाए, सप्लायर से ना लेकर के रेसिपिएंट से लिया जाए, तो फिर उस कंसेप्ट को हम बोलते थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड रिवर्स चार्ज की स्टोरी जीएसटी में आती कहाँ से थी बेटा? ये आती थी इधर फ्रॉम सेक्शन 9(3) और फ्रॉम सेक्शन 9(4), इधर फ्रॉम सेक्शन 9(3) और फ्रॉम सेक्शन 9(4). सेक्शन 9(3) में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करती थी और कहती थी इन पर्टिकुलर गुड्स या इन पर्टिकुलर सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा एंड रेसिपिएंट पे करेगा। सेक्शन 9(4) में गवर्नमेंट कहती थी अगर
अनरजिस्टर्ड पर्सन से नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन माल खरीद के लाएंगे तो कुछ केसेस में आरसीएम लगेगा, वो हम नोटिफिकेशन से बताएंगे कब लगेगा। कहने का मतलब दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताती थी कि किन सिचुएशन में हमें आरसीएम लगाना है। अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 93 और सेक्शन 94 के थ्रू आरसीएम अप्लाई होता था। आरसीएम का रिजल्ट ये होता था कि सप्लाई करने वाले सप्लायर को जीएसटी नहीं देना पड़ता था, रेदर देन रेसिपिएंट को जीएसटी भरना पड़ता था। अब इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मिस्टर राम, उसने जिस सप्लायर से सप्लाई ली, अगर वो सप्लाई, लेट्स सपोज उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी है बेटा 12%, पर वो आरसीएम में नोटिफाइड है, तो इसका मतलब क्या होगा, मिस्टर राम को उस 12% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। मिस्टर राम रजिस्टर्ड तो है ही, तो रजिस्ट्रेशन तो कराने की जरूरत नहीं है, पर वो 12% का जीएसटी और भरेगा। अब इस डायग्राम में पता है बेटा, मिस्टर राम के ऊपर दो ऑब्लिगेशंस आ गए। क्या चीज? एक तो जो वो सेल्स कर रहा था उन सेल्स के ऊपर तो जीएसटी भर ही रहा था, वो लायबिलिटी उसकी सेक्शन 91 में नॉर्मल लायबिलिटी थी। उसके अलावा उसको अपनी इस पर्टिकुलर परचेज के रिस्पेक्ट में भी जीएसटी भरना पड़ रहा है, जो कि उसकी क्या है, आरसीएम की लायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मेरी सेल्स की लायबिलिटी मेरी नॉर्मल लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 91, और मेरी परचेजेस के रिस्पेक्ट में भी कभी मेरी लायबिलिटी हो सकती है, और वो लायबिलिटी है मेरी 93 या फिर 94 की आरसीएम लायबिलिटी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब प्लीज ध्यान में रखिएगा, नीचे हमारा मिस्टर श्याम है। अगर मिस्टर श्याम जो कि कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहा है, और वो जब कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहा है, तो वो बेटा अपनी सेल्स के ऊपर 91 के हिसाब से नहीं टैक्स दे रहा, वो तो 1% का टैक्स दे रहा है। अब अगर मिस्टर श्याम ने कभी कोई परचेज करी उस प्रोडक्ट की जिस प्रोडक्ट के ऊपर 93 या 94 में नोटिफाई होने की वजह से लायबिलिटी आरसीएम की बन रही थी, अगर कभी मिस्टर श्याम ने एक ऐसी परचेज कर ली जो परचेज 93 या 94 में नोटिफाइड होने की वजह से आरसीएम के मैकेनिज्म में है, तो मिस्टर श्याम को आरसीएम लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्लास में आपके साथ ये डिस्कस भी हो रखा था, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था, कंपोजिशन सप्लायर को जब कभी ये कहा जाता है कि तुम अगर कंपोजिशन स्कीम में जाओगे तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी की बजाय टर्नओवर पर फ्लैट 1% दोगे, तो बेटा कंपोजिशन सप्लायर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई साहब, जब मैं अपने टर्नओवर पर फ्लैट 1% दूंगा, तो क्या उस 1% फ्लैट को दे करके मैंने रिवर्स चार्ज की जो मेरे ऊपर लायबिलिटी बनी थी वो भी पे कर दी? तो आंसर इज नो बेटा। ध्यान में रखिएगा, एज आई टोल्ड यू, कंपोजिशन स्कीम ये कहती है कि आप क्या करेंगे, अगर आप सेक्शन 10 में आएंगे तो सेक्शन 10 में हम आपसे नॉर्मल टैक्स ना लेकर के 1% ऑफ टर्नओवर लेंगे। आप में से हर एक बच्चे को पता है बेटा टर्नओवर का क्या मतलब होगा। मैं पूछूंगा मिस्टर श्याम का क्या टर्नओवर है, तो टर्नओवर का मतलब उसकी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई होगी या उसकी परचेज इनवर्ड सप्लाई होगी। ऑब्वियसली टर्नओवर का मतलब क्या होगा, उसकी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई। और जब हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारी सेल्स आउटवर्ड सप्लाई का जो टर्नओवर है उसका 1% तुमसे लेंगे सेक्शन 10 में, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि हम ये जो ले रहे हैं 1%, ये उससे उसकी आउटवर्ड सप्लाई पर जो उसकी नॉर्मल लायबिलिटी बनती थी उसके बदले में ले रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिपीट द लाइन, कंपोजिशन स्कीम जब ये कह रही है आपके टर्नओवर का 1% लेंगे, टर्नओवर का मतलब हो गया आपकी आउटवर्ड सप्लाईज का जो काम है उसका 1% लेंगे, तो डेफिनेटली लॉजिकली रीजनेबली ये हम आपकी
आउटवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है उस टैक्स लायबिलिटी के बदले में हम आपसे 1% ले रहे हैं। इन टेक्निकल वर्ड्स 9(1) की जो आपकी अदरवाइज लायबिलिटी बनती थी उस 9(1) की लायबिलिटी के बदले में सेक्शन 10 में 1% लिया जा रहा है। 9(3) या 9(4) में जो आरसीएम की लायबिलिटी आपकी बनती थी उस आरसीएम की लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं। आरसीएम की लायबिलिटी आपको नॉर्मल तरीके से ही डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, लॉयर की सर्विस, बेटा लॉयर की सर्विस रिवर्स चार्ज में है, तो लॉयर की सर्विस मिस्टर राम ने ली, रिवर्स चार्ज लगेगा, तो वो उस लीगल सर्विसेज के ऊपर 18% जीएसटी भरेंगे। कंपोजिशन सप्लायर ने अगर लीगल सर्विस ली तो कंपोजिशन सप्लायर ये नहीं बोलेगा मैं तो कंपोजिशन सप्लायर हूं, मैं इस पर इस तरीके से पे करूंगा। नहीं भाई साहब, आपने जो भी रिवर्स चार्ज में सर्विसेज ली हैं, रिवर्स चार्ज में सप्लाईज ली हैं, उस पर आपको नॉर्मल तरीके से ही टैक्स जो होगा वो पे करना पड़ेगा। सेक्शन 10 में इनफैक्ट ये लिखा हुआ था, सेक्शन 10 में ये लिखा हुआ था कि आपको सेक्शन 10 में जो स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से पेमेंट करने को कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट टू 9(3) एंड 9(4) है। मतलब आपके लिए कंपोजिशन स्कीम बनाते टाइम हमने पूरे एक्ट को ओवररूल किया है, पर 9(3) या 9(4) उसको ओवररूल नहीं किया। 9(3) या 9(4) में जो नॉर्मल टैक्स बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। इस बात को अब और भी क्लियर शब्दों में एक्सप्रेस करने के लिए सेक्शन 10 में अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 10 में इस बात को और भी क्लियर टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए अमेंडमेंट की गई है, मैं अभी आपको पढ़वाने वाला हूं। सेक्शन 10 अमेंड करके क्लियर फॉर्म में ये लिखा गया है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 10 को ऑप्ट करेगा तो 9(1) में जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, ध्यान दीजिएगा 9(1) में, 9(3) 9(4) में नहीं, 9(1) में जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उस लायबिलिटी के बदले में उसे 1% या 5% की पेमेंट करनी है। उसकी जो लायबिलिटी 9(3) या 9(4) में बनती है वो एज इट इज रहेगी, उसका कंपोजिशन स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, इन द सेंस उस पर कंपोजिशन स्कीम की रेट अप्लाई नहीं होगी। लेट्स हैव अ लुक एट सेक्शन 10। अमेंडमेंट दिखाता हूं मैं आपको, सेक्शन 10 की लैंग्वेज पढ़वाता हूं बेटा। स्क्रीन पर आपके सामने है सेक्शन 10। सेक्शन 10 टाइटल इज कंपोजिशन लेवी सबसेक्शन 1। ये कहता था नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। सेक्शन 10 की स्कीम इस एक्ट में सारी बातों को ओवररूल करती है, बट सब्जेक्ट टू 9(3) एंड 9(4), पर 9(3) 9(4) आरसीएम वाली बात को ओवररूल नहीं करती है। कंपोजिशन स्कीम में आप आओगे सारी बातें ओवररूल हो जाएंगी, बट 9(3) या 9(4) आरसीएम वाली बात ओवररूल नहीं होगी। अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। अभी इस 50 लाख की लिमिट को आप इग्नोर करिएगा, लिमिट्स चेंज हो चुकी हैं, वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी आप सिंपली ऐसे समझिएगा, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाइड लिमिट का है, ही मे ऑप्ट टू पे। ऑप्शनल स्कीम होती थी क्या, इन लियू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1). अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अंडर सेक्शन 9(1) है जो ब्लैक कलर से रिवर्स में लिखे गए हैं, येलो कलर की वर्डिंग्स में नजर आ रही हैं, ये नए इंसर्ट हुए हैं बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट। और ये वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ऑप्ट कर सकता है क्या कि जो टैक्स पेबल बनता था अंडर 9(1), अंडर 9(1) का मतलब FCM फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी, 9(3) 9(4) नहीं। आपके दो टैक्स पेबल बनते हैं, 9(3) 9(4) में आप इनवर्ड सप्लाई के टैक्स के लिए लायबल बन जाते हैं एंड 9(1) में आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए लायबल होते हैं। अब अमेंडेड लैंग्वेज क्लियर कट ये कहना चाह रही है कि जो टैक्स पेबल
आपका 9-1 में बनता था, मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर आपके द्वारा जो टैक्स पेबल बनता था, उस टैक्स की बजाय आप अमाउंट ऑफ टैक्स दे रहे हैं एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सेक्शन 10 में जब आप स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई पर जो सेक्शन 9-1 में आपका टैक्स देना बनता था, आप उस टैक्स के बदले में अब जो स्कीम प्रेस्क्राइब्ड रेट बोलेगी, जो बेसिकली रूल 7 में 1% बोला जाता है या रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% बोला जाता है। सो क्लियर कट लैंग्वेज ड्राफ्ट कर दी गई है कि 9-1 में आपकी आउटवर्ड सप्लाई पर जो आपका टैक्स देना बनता था, अब आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर वो टैक्स 9-1 वाला ना दे करके सेक्शन 10 में रूल 7 में जो रेट 1% या 5% बताई गई है, आपको वो अमाउंट एज अ टैक्स देना है। और इस लाइन का अदरवाइज इम्प्लीकेशन क्या है? आप कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स देंगे वो 9-1 के बदले में दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरसीएम की लायबिलिटी है तो आरसीएम की लायबिलिटी 9-3 या 9-4 की लायबिलिटी है। 9-3 या 9-4 में जो टैक्स उसका बनता था, वो टैक्स आपको सेक्शन 10 में कंपोजिशन ऑप्ट करने के बावजूद भी एज इट इज देना पड़ेगा। एंड बेटा लेट मी टेल यू, दिस अमेंडमेंट इज अ क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट? बिकॉज बेटा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने अमेंडमेंट से पहले भी लिखा हुआ था कि हमने सब कुछ ओवर रूल किया है पर 9-3 9-4 को ओवर रूल नहीं किया। तो सबसेक्शन 1 अपने आप में पहले भी क्लियर था कि 9-3 9-4 में जो आपकी लायबिलिटी बनती है वो एज इट इज जानी चाहिए। अब उस बात को और थोड़ा एक्सप्रेसिव तरीके से लिख दिया गया है। बिसाइड फ्रॉम दैट, दूसरे एंगल से बात करूं तो बेटा जब कंपोजिशन स्कीम कहती थी टर्नओवर का 1% या 5% दोगे तो टर्नओवर डेफिनेटली आपकी आउटवर्ड सप्लाई का ही होता है, तो वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का जो नॉर्मल टैक्स था उसके बदले में बात कर रहे होते थे। तो इन दो रीजनों से ऑब्वियसली इट इज वेरी मच क्लियर कि दिस अमेंडमेंट इज अ क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट। जो लोग आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे या डाउट रेज कर रहे थे उनके रिस्पेक्ट में क्लेरिफिकेशन बेसिकली ये कर दी गई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन एन अमेंडमेंट इज क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट, तो वो अमेंडमेंट किस दिन से अप्लाई होती है? जिस दिन से आती है या बैक डेटेड? बैक डेटेड। वेन एवर एनी अमेंडमेंट इन द लॉ इज अ क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट, तो दैट अमेंडमेंट इज ऑपरेशनल बैक डेटेड। ठीक है बेटा, नीचे मैंने एक चार्ट भी बना के आपको दिया है। इस चार्ट में सेम बातें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाई है। नीचे एनालिसिस में मैंने जो पॉइंट लिखे हैं एक बार सिंपल शब्दों में मैं आपको पढ़ देता हूं। नंबर 1 मैंने लिखा जी, अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम इज ऑल्सो टैक्स। आप सेक्शन 9 में जीएसटी देते हैं नॉर्मल 5, 12, 18, 28 वट एवर, और अगर आप सेक्शन 9 को छोड़ करके सेक्शन 10 की स्कीम में आ जाते हैं तो सेक्शन 10 में जो भी आप 1% या 5% स्पेशल टैक्स दे रहे हैं ये अमाउंट भी टैक्स ही है। सेक्शन 9 में दिया गया टैक्स आपका नॉर्मल टैक्स है, सेक्शन 10 में दिया गया टैक्स जो है ये आपका कंपोजिशन टैक्स पुकारा जाता है, बट डेफिनेटली दोनों ही टैक्स है, जीएसटी है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम इज ऑल्सो टैक्स। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन स्कीम इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सब्जेक्ट टू एफसीएम लायबिलिटी। कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जाओगे तो बी वेरी क्लियर कि ये सिर्फ आपकी वो आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स रफली जिस पर आपकी एफसीएम लायबिलिटी थी, जिस पर आपको टैक्स पे करना था उसके रिस्पेक्ट में है। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज फॉलिंग अंडर सेक्शन 9-3 9-4 बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन कैन नॉट बी अवेल्ड। आरसीएम टैक्स वुड बी पेबल इन एडिशन टू द कंपोजिशन टैक्स। एक कंपोजिशन सप्लायर अगर है तो उसको क्लियर होना चाहिए कि वो जो 1% दे रहा है वो 1% का मतलब उसने अपना सेल्स वाला टैक्स दे दिया। उसका परचेज का अगर कोई आरसीएम का टैक्स है तो वो उसको एडिशनली नॉर्मल तरीके से ही पे करना है।
Composition tax merely replaces normal GST payable under section 9(1) and corresponding provisions of SGST. RCM liability, if any, shall be discharged as per the normal GST rates. May I proceed further? This is amendment number 1. Choti si simple clarificatory amendment. अच्छा जी, चलिए जी, नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं. अमेंडमेंट नंबर 2, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट. अब सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है क्या, वो ये है बेटा, कंपोजिशन स्कीम के लिए पहले आपकी एलिजिबिलिटी की जो लिमिट थी वो आउटर साइड पर 1 करोड़ तय थी. कहने का मतलब वो सप्लायर जिनका सप्लाई मैक्सिमम 1 करोड़ था वही लोग इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते थे, जो कि फुल ऑफ सिंप्लिसिटी थी. अब लेकिन उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, डेफिनेटली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टैक्सपेयर्स. टैक्सपेयर की रिक्वेस्ट थी कि इस स्कीम के दायरे में और लोग भी आ पाए तो आप थोड़ा सा इसका टर्नओवर की लिमिट एनहांस कर दो, तो वो टर्नओवर की लिमिट एनहांस कर दी गई है और अब 1.5 करोड़ तक के 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर में काम करने वाले लोग इस कंपोजिशन स्कीम को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं. कितना? 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले लोग जो है वो इस कंपोजिशन स्कीम को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं. मैंने टाइटल दिया है सेकेंड अमेंडमेंट को, टर्नओवर लिमिट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम एनहांस कर दी गई है 2 रुपीज 1.5 CR. अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में बड़ी सिंपल सी बात ध्यान में रखना. ओरिजिनली सेक्शन 10 जब ड्राफ्ट किया गया था तो गवर्नमेंट ने इंटेंशन ये रखी थी कि हम इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट देंगे सिर्फ उन लोगों को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का हो. सिर्फ उनको देंगे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक का हो. सुनना बेटा ध्यान से, इनिशियली व्हेन द स्कीम वॉज डिजाइंड तो सेक्शन 10 इंटेंडेड था कि 50 लाख तक के टर्नओवर वालों को ये स्कीम देंगे, लेकिन साथ ही में ये गुंजाइश रखी गई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो इस स्कीम को 100 लाख तक के टर्नओवर वाले सप्लायर्स के लिए भी अप्लाई कराया जा सके. तो सेक्शन 10 ओरिजिनली ड्राफ्टेड ऐसे था कि सेक्शन 10 की नॉर्मल लैंग्वेज तो ये कहती थी 50 लाख तक के टर्नओवर वाले लोग स्कीम में आएंगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 10 में एक प्रोविजो होता था जो ये कहता था गवर्नमेंट को अगर ठीक लगेगा तो गवर्नमेंट 100 लाख तक के टर्नओवर वाले सप्लायर्स को इसमें नोटिफिकेशंस के थ्रू कवर कर लेगी. अब गवर्नमेंट ने जब स्कीम को एक्चुअल में एप्लीकेबल कराया तो लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, जी 100 लाख भी कम है, आप 100 लाख की बजाय इसको बढ़ा दो, 150 लाख कर दो. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, सेक्शन 10 में 100 लाख तक का स्कोप था, अब उन्होंने उस प्रोविजो को अमेंड किया और अमेंड करके ये लिख दिया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 10 की स्कीम 150 लाख तक के टर्नओवर वाले सप्लायर्स तक के लिए अप्लाई कर सकती है. लेट अस हैव अ लुक फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट ऑफ सेक्शन 10. सेक्शन 10 कहता था notwithstanding anything but subject to RCM, a registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 50 lakhs may opt to pay, कि वो 9(1) में normal tax pay करने की बजाय वो tax कंपोजिशन में जो रेट स्पेशल 1% 5% है उसके हिसाब से देगा. बिल्कुल अभी पढ़ाया मैंने आपको, सेक्शन 10(1) क्या कह रहा था कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से ज्यादा नहीं था वो आदमी ऑप्ट कर सकता था कि वो नॉर्मल टैक्स 9(1) में अपनी लायबिलिटी देने की बजाय सेक्शन 10 में स्पेशल टैक्स रेट के हिसाब से अपनी लायबिलिटी दे. आप ध्यान दे रहे हैं ये स्कीम किसकी बात कर रही थी, उन लोगों की जिनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है. तो ओरिजिनली क्या इंटेंडेड था 50 लाख वालों के लिए,
बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 10(1) में एक प्रोविजो होता था जो ये कहता था गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट ऑफ 50 लैक्स टू सच हायर लिमिट नॉट एक्सीडिंग 100 लैक्स एज मे बी रिकमेंडेड वाज काउंसिल. सेक्शन 10 ओरिजिनली डिजाइन फॉर 50 लैक्स पर विद द स्कोप कि गवर्नमेंट काउंसिल की रिकमेंडेशन से 50 लाख की बजाय 100 लाख तक के टर्नओवर वाले लोगों को इसमें क्लब कर सकती थी बट मैक्सिमम कितने 100 लाख वाले. अब बेटा ये प्रोविजो अमेंड हुआ है और यहाँ 100 लाख की लिमिट काट करके अब क्या लिख दी गई है 150 लाख. मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई कि वो अब इस स्कीम को 100 लाख तक के टर्नओवर की बजाय 150 लाख तक के टर्नओवर रखने वाले सप्लायर्स के लिए अप्लाई कर सके. आई सिंपली मेंशन 50 लाख वाज द बेसिक लिमिट विद द स्कोप 100 लाख तक के लिए गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती थी. अब वो 100 लाख चेंज करके कर दिया गया 150 लाख. टैक्स पेयर्स की रिक्वेस्ट पर ये किया गया है बेटा. अच्छा अब गवर्नमेंट ने अगला काम क्या किया सेक्शन 10 में ये लिमिट एनहांस करने के बाद उन्होंने ये भी साथ में डिसाइड किया कि जी अब लोग क्योंकि चाहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम बड़े टर्नओवर पर भी मिले तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया. नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया गया बेटा 14/2019 जिसमें ये बोल दिया गया है कि अब 150 लाख तक की लिमिट अगर आपकी है टर्नओवर की तो आप इस कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं पर अगर आप कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सप्लाई का काम करते हैं. जनरली तो लिमिट 150 लाख की कर दी गई है 1.5 करोड़ की कर दी गई है लेकिन जो लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट से काम करते हैं उन लोगों के लिए लिमिट जो है वो 75 लाख जो है वो रखी गई है. मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ आपके लिए. सेक्शन 10(1) सबसे पहली अमेंडमेंट ये हुई कि गवर्नमेंट को एम्पावर्ड कर दिया गया कि वो कंपोजिशन स्कीम अब 150 लाख तक के टर्नओवर वाले लोगों को अप्लाई करा सके. उस पावर को देने के बाद अब गवर्नमेंट ने रियल नोटिफिकेशन इशू किया 14/2019 जिस नोटिफिकेशन से उन्होंने एक्चुअल में ये स्कीम 150 लाख तक के टर्नओवर वालों के लिए अप्लाई करा दी. नोटिफिकेशन आया जो कह गया एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड ₹150 लाख मे ऑप्ट टू पे इन लियू ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1) एन अमाउंट ऑफ टैक्स एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 7. क्या कह गया नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन कह रहा है कि एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन जो भी एक पर्सन रजिस्टर्ड है और वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए. और एलिजिबल कौन होते हैं सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज वाले. तो वो कह रहे हैं जो भी एलिजिबल लोग इस स्कीम के लिए रजिस्टर्ड हैं उनका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में अगर 150 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फिर वो इस स्कीम के हिसाब से कंपोजिशन टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. तो बेटा 150 लाख की लिमिट एप्लीकेबल करा दी गई है पर साथ में बोला गया है प्रोवाइडेड दैट द सेड एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी 75 लाख इन केस ऑफ एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ सेड एक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नेमली अगर आप इन 8 स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो देन इन दैट सिचुएशन आपके लिए जो लिमिट है टर्नओवर की वो 150 लाख नहीं है तब वो क्या है 75 लाख. सो प्री अमेंडमेंट्स आपकी लिमिट्स अलग थी वो क्या लिमिट्स थी अब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज November 2019 के टाइम में आपको डायरेक्टली जो नई लिमिट है वो याद रखनी है. नई लिमिट आपकी है जर्नली 150 लाख के टर्नओवर वाले लोग एलिजिबल हैं लेकिन अगर आप इन 8 स्टेट्स में कहीं रजिस्टर्ड हो तो आपके लिए लिमिट 150 लाख नहीं है 75 लाख है. और ये 8 स्टेट्स बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे. ये 8 के 8 स्टेट जो हैं बेटा ये हमारे पास वो स्टेट्स हैं जिनको GST में जनरली आप रेफर करते हैं बाय द वर्ड्स बाय द नेम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स.
अच्छा एक बात की क्लैरिटी रखिएगा बेटा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इस बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वर्ड जीएसटी में बेटा अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से यूज़ हुआ है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये बेसिकली ओरिजिनली वर्ड्स हमने जीएसटी के लॉ में यूज़ किया था अंडर आर्टिकल 279A, जिसमें जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन था, उसमें 279A4 में ये लिखा हुआ था, 279A4 में ये बात लिखी हुई थी कि काउंसिल इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जीएसटी के लॉ में बना सकती है, और उन्होंने टोटल 11 स्टेट जो थे वो बताए थे 279A में। 11 स्टेट्स मेंशन थे जिनको कहा गया था कि इनके रिस्पेक्ट में जीएसटी के लॉ में स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, मतलब नॉर्मल स्टेट्स के लिए कुछ और चल रहे होंगे लेकिन इन 11 स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, और इसी वजह से इन 11 स्टेट्स को बुलाया गया था बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ऐसा नहीं है कि बेटा इन 11 के लिए स्पेशल बनाना ही बनाना है, उन्होंने कहा था अगर काउंसिल को ठीक लगेगा तो वो इन 11 स्टेट्स के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और उन्होंने अब क्या किया है सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट जब उन्होंने कही तो उन्होंने बेटा वैसे तो एलिजिबिलिटी लिमिट 150 लाख लिखी, लेकिन इन 11 में से 8 स्टेट्स के लिए, ध्यान रखिएगा 11 में से 8 स्टेट्स के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी लिमिट कितनी रखी है 75 लाख। तो कुछ बच्चों की ना ये हैबिट होती है वो एग्जाम में ऐसे लिखाएंगे फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट द लिमिट इज 75 लाख। मैं आपको यह इसलिए बोल रहा हूँ डिटेल में कि ऐसे कभी मत लिखना, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 75 लाख, गलत हो जाएगा। आप ये लिखना फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ओनली फॉर 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स द कंपोजिशन लिमिट इज लोअर लिमिट, द एलिजिबिलिटी लिमिट इज लोअर लिमिट दैट इज 75 लाख। और वो जो 8 स्टेट्स है जिनके लिए उन्होंने लोअर लिमिट रखी है तो बेटा इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको जैसे एक कीवर्ड दिया था नागमनी तेरा पूरा मजा, नागमनी तेरा पूरा मजा एंड सूमा, एन है नागालैंड, मनी मणिपुर, तेरा पूरा त्रिपुरा, मजा मिजोरम, एस इज सिक्किम, यू इज उत्तराखंड, एम इज मेघालय, ए इज अरुणाचल प्रदेश। यू कैन रेफर टू योर नोटिफिकेशन नाउ, नाग मणि तेरा पूरा मजा, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर सूमा, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आप जिस भी तरीके से याद रखना चाहें वो आपकी फ्रीडम है, जनरली मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा, और इस तरीके से बोलने के पीछे मेरा जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा रीज़न क्या है बेटा। थोड़ा सा यहाँ मैंने साइड में कंपैरिजन लिखा है, आप भी इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लेना बेटा। मैंने लिखा एन नागमनी, एन नागालैंड, एम मणिपुर, तेरापुरा त्रिपुरा, मजा मिजोरम। ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के लिए आपको शायद याद होगा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस जो सेक्शन 22 में होते थे वो भी अमेंड किए गए हैं, और इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आज की डेट में रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है वो 10 लाख होती है। इसके अलावा सूमा, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन लोगों में रजिस्ट्रेशन कराने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो बेटा 20 लाख होती है। एंड साथ ही में टीपी, तेलंगाना एंड पुडुचेरी, यहां भी बेटा रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो 20 लाख होती है, एंड रेस्ट एंटायर इंडिया उसमें रजिस्ट्रेशन की लिमिट जो है वो आज की डेट में 40 लाख होती है।
मैं बात कर रहा हूं जी सप्लायर ऑफ गुड्स की. इफ देयर इज अ पर्सन हु इज इनटू द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड हिज बिजनेस इज ओनली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता है एक सप्लायर ऑफ गुड्स जो कि सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है उसका रजिस्ट्रेशन जब हम कभी डिसाइड करते हैं तो हम सेक्शन 22 में डिसाइड करते हैं. और सेक्शन 22 आज की डेट में एज अमेंडेड वो ये कहता है सप्लायर ऑफ गुड्स इंट्रा स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स उनको रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कुछ को 10 लाख की लिमिट के बाद, कुछ को 20 लाख की लिमिट के बाद और कुछ को 40 लाख की लिमिट के बाद. ये लिमिट्स बहुत मेहनत से याद रखने वाला काम हो गया आज की डेट में. तो मैंने उसे थोड़ा सा एक कंपेरेटिव आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करी है जिसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई और उसके रजिस्ट्रेशन कराने की बात आएगी तो नाग मनी तेरा पूरा मजा. नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम इनके लिए लिमिट है 10 लाख. 10 लाख से ज़्यादा टर्नओवर होगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. फिर उसके बाद 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए लिमिट है 20 लाख. सूमा टीपी, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड पुडुचेरी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड आज की डेट में है 20 लाख. एंड रेस्ट एंटायर इंडिया के लिए लेट्स सपोज दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, इन सब के लिए थ्रेशोल्ड कितना है 40 लाख. अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अब ये जो भी सप्लायर हैं जो सेक्शन 22 के तहत रजिस्टर्ड है, जो सेक्शन 22 के तहत रजिस्टर्ड है, अगर ये सप्लायर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए हमारी टर्नओवर की लिमिट क्या है, कंपोजिशन स्कीम के लिए हमारा जो आउटर टर्नओवर प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है, तो सेक्शन 10 में प्लीज़ ध्यान में रखिएगा नागमनी तेरा पूरा मज़ा वो 4 स्टेट उनके लिए 75 लाख है. इसके अलावा सूमा उनके लिए भी 75 लाख है. बाकी रेस्ट एंटायर इंडिया मतलब तेलंगाना, पुडुचेरी एज वेल एज अदर्स उन सब के लिए कितना है 150 लाख. जस्ट अ स्मॉल कंपेरिजन. इंटेंट इज सिंपली कि आपको उधर और इधर रिवाइज करते टाइम कभी नाम में कंफ्यूजन हो तो शायद थोड़ी सी क्लैरिटी से याद रह जाएगा. उस पर्पज के लिए मैंने याद यहां आपको ये टेबल दी है. 2-3 बार प्रैक्टिस से कर लेना आपको याद हो जाएगा. यहां मैं क्लैरिटी के साथ आपको ये बोल देना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन की बात करता है, सेक्शन 10 कंपोजिशन की बात करता है. आप अगर सेक्शन 22 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 22 के हिसाब से इन स्टेट्स में हो 10 लाख से ऊपर का काम करो तभी रजिस्ट्रेशन कराना, सूमा टीपी में हो 20 लाख से ऊपर हो तभी रजिस्ट्रेशन कराना, अदर्स में हो 40 लाख से ऊपर है तभी रजिस्ट्रेशन कराना. और बेटा जब सेक्शन 22 आप पढ़ते हो तो सेक्शन 22 में ये जो लिमिट पढ़ते हो ये देख रहे होते हो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर. एक सप्लायर इस साल में काम कर रहा है तो वो देखेगा जिस साल में वो काम कर रहा है उस साल में जिस दिन उसका एग्रीगेट टर्नओवर इससे एक्सीड हो जाएगा वो जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा और GST आगे से पे करने लगेगा. ऑन द अदर हैंड जब आप कंपोजिशन स्कीम में होते हो तो कंपोजिशन स्कीम करंट ईयर का टर्नओवर नहीं देखती, कंपोजिशन स्कीम आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखती है. कंपोजिशन स्कीम क्या कहती है, आप GST में रजिस्टर्ड हो गए हो पर आप ये चाहते हो आप एज अ कंपोजिशन सप्लायर काम करो तो कंपोजिशन सप्लायर बनने के लिए आपके प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाता है. और अगर आपके प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन 8 स्टेट में 75 लाख तक था और बाकी में 150 लाख तक था तो फिर आपको एज अ कंपोजिशन सप्लायर जो होता है वो आपको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है. एंड जस्ट फॉर मोर क्लैरिटी यहां नीचे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. फाइनेंशियल ईयर 19-20 अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस साल में किसी पर्सन ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो बेटा जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करेगा वो इमिडिएटली तो GST में रजिस्ट्रेशन कराए गई नहीं. 40 लाख तक मान लीजिए दिल्ली का सप्लायर है तो 40 लाख तक का काम
वो विदाउट एनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करेगा, 40 लाख तक के काम पर उसे कोई जीएसटी पे नहीं करना, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड। 40 लाख से अगर क्रॉस हो रहा होगा तो फिर वो टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और वो जाकर के जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेगा। जिस टाइम वो रजिस्ट्रेशन कराएगा उस टाइम पर उसे जनरली ये डिसाइड करना होगा कि मैं नॉर्मल सप्लायर के तौर पर काम करूं या फिर मैं कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर काम करूं। अगर ये नॉर्मल सप्लायर के तौर पर काम करना चाहता है, 9-1 में अपनी लायबिलिटी देना चाहता है, तो इसे कुछ भी स्पेशल नहीं करना, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दे, नॉर्मल लायबिलिटी दे। पर अगर ये कंपोजिशन सप्लायर बनना चाहता है तो बेटा इसे रजिस्ट्रेशन कराते टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये बताना पड़ेगा कि मुझे कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड कर लो। और अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बता देता है तो पोर्टल पर इसे एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। और अब ये कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर अब इसे सेक्शन 10 के हिसाब से जीएसटी लायबिलिटी जो कि 1% होगी उसके हिसाब से इसे काम करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आराम से काम करो, 40 लाख क्रॉस कराते टाइम रजिस्ट्रेशन करा लो। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपका पिछले साल में टर्नओवर कितना था, 0, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन में टिक कर देना, मैं एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहता हूं, और वो कहेंगे जी बिल्कुल पिछले साल में टर्नओवर 0 है तो आपको हम कंपोजिशन सप्लायर का रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, और अब आप आराम से सेक्शन 10 के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज कर सकते हो। अच्छा जी, एक बार के लिए नोटिफिकेशन पर वापस आता हूँ बेटा। नोटिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट कहता है 150 लाख। नोटिफिकेशन का प्रोविजो कहता है 8 स्टेट में हो तो 75 लाख। नोटिफिकेशन में एक और प्रोविजो है जो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 इफ सच पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स। कौन से गुड्स? आइसक्रीम या एडिबल आइस, चाहे उसमें कोकोआ हो या ना हो, पान मसाला या फिर टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट। इन तीन गुड्स के रिस्पेक्ट में मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम में काम नहीं कर सकता। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेडर को मनाई नहीं है, ओनली रेस्ट्रिक्शन इज ऑन द मैन्युफैक्चरर। इन तीन गुड्स के रिस्पेक्ट में इफ देयर इज अ मैन्युफैक्चरर तो वो कंपोजिशन स्कीम में काम नहीं कर सकता। बेटा ये जो पॉइंट है ये कोई नया पॉइंट नहीं है, आपने पहले जो पढ़ा हुआ है सेक्शन 10 उसमें भी ये लिखा होता था। आप अगर देखेंगे ध्यान से सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में लॉ में ये पहले भी लिखा होता था कि इन तीन कैटेगरी ऑफ गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, और यही बात ये नोटिफिकेशन भी रिपीट कर रहा है। अच्छा, ये जो तीन गुड्स हैं यू आर सपोज टू रिमेंबर, और इनको आप याद रख सकते हैं विद द सिंपल वर्ड टिप, टी टोबैको, आई आइसक्रीम, पी पान मसाला। इनके जो मैन्युफैक्चर है वो कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होते, उन्हें नॉर्मल तरीके से ही टैक्स भरना पड़ता है। आर यू क्लियर टू दिस प्रोविजन? अच्छा जी, अगली बात सुनिएगा बेटा। मैंने आपको ये जो साइड में रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन की लिमिट लिखवाई है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी कोई इंटरमिक्सिंग ना हो, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के एंगल से लिमिट देखोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन, रजिस्टर्ड हो गया अब टैक्स पे करना है, टैक्स नॉर्मल टैक्स 9-1 में जो है वो पे करूं या कंपोजिशन स्कीम में जाऊं और कंपोजिशन स्कीम में जो लोअर रेट होती है वो पे करूं, आपकी चॉइस है। आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर एलिजिबल हो
तो आपकी चॉइस है कि आप अभी भी नॉर्मल टैक्स पे करना चाहते हो या फिर आप कंपोजिशन स्कीम वाला लोअर टैक्स पे करना चाहते हो, वो आप डिसाइड करोगे और उसी हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। अच्छा, अब बेटा रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जो लिमिट्स हैं वो हैं 10, 20 और 40। कंपोजिशन के लिए जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 150 एंड 75। अच्छा, दोनों ही लिमिट हैं क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। बेटा यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी के लॉ में, क्योंकि कई जगह यूज होता है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर की हमारे पास डेफिनेशन होती है सेक्शन 2(6) में। आई होप यू रिमेम्बर एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) में। और वो 2(6) की डेफिनेशन क्या कहती है, एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें आपकी सभी तरीके की आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी, गुड्स की हो, सर्विस की हो, इंट्रा हो, इंटर हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो। ध्यान दीजिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) में डिफाइंड था, और ये 2(6) में इस तरीके से डिफाइंड था कि आपकी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज है आपकी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है उन सब की वैल्यू को जोड़ करके बनेगा आपका एग्रीगेट टर्नओवर। अब आपकी आउटवर्ड सप्लाई में गुड्स हो, सर्विस हो, इंट्रा हो, इंटर हो, डोमेस्टिक हो, एक्सपोर्ट्स हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो, नॉन टैक्सेबल हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। 2(6) कहता है आपकी सारी आउटवर्ड सप्लाई बन के मिलेंगी एग्रीगेट टर्नओवर। इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगी कभी भी टर्नओवर में, बिकॉज आपके टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। इनवर्ड सप्लाई पर भले ही आरसीएम हो, भले ही आप जीएसटी पे कर रहे हो, बट वो आपका कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होता। अच्छा, अब ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है इसमें खास बात ये भी होती थी, मिस्टर ए उसकी दो दुकानें हैं, दिल्ली में भी है, महाराष्ट्र में भी है। एग्रीगेट टर्नओवर, मिस्टर ए का पैन बेस निकाला जाएगा, वो दिल्ली में और महाराष्ट्र में जीएसटी में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो सकता है, पर एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो हमेशा पैन बेस निकाला जाएगा। आपको ये भी याद होगा। सो दोबारा दोहरा देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड होता है और इसमें हर तरीके की सप्लाई जो है वो आती है। रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख देखा जाता है, एंड कंपोजिशन स्कीम के लिए एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख और 75 लाख देखा जाता है। इतना स्ट्रेस देने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है, एक छोटा सा, कहीं पर आप ये चार्ट नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटा सा कहीं पर ये चार्ट नोट डाउन करिएगा बेटा, कि जो ये वर्ड है एग्रीगेट टर्नओवर, इट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2(6), जो मैंने आपको बताया कि इसमें हर तरीके की सप्लाई आती है। अब इस एग्रीगेट टर्नओवर को जब कभी आप कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी के लिए पढ़ेंगे तो आपको इसे एक स्पेशल तरीके से पढ़ना है, और अगर आप इसे रजिस्ट्रेशन या जीएसटी के लॉ में किसी और प्रोविजंस के लिए पढ़ेंगे तो आपको इसे अलग तरीके से पढ़ना है। मैं आपको सिंप्लीफाइड करके प्रेजेंट कर रहा हूं, ये बात जरा सुन लीजिएगा। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) में डिफाइंड है, एंड सेक्शन 2(6) की डेफिनेशन पूरे जीएसटी के लॉ के लिए है, लेकिन लेकिन कंपोजिशन स्कीम के लिए आप जब एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 के पर्पस के लिए, आप जब कंपोजिशन टैक्स के लिए एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए इसको एक स्पेशल तरीके से पढ़ना है। वो स्पेशल तरीका क्या अभी बताऊंगा, बाकी रेस्ट ऑल अदर जीएसटी लॉ के लिए रजिस्ट्रेशन या और कहीं भी एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड आएगा तो आपको इसे 2(6) में जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। प्रोविजन देखिएगा, मान लीजिए आप गुड्स भी सप्लाई करते हैं, आप सर्विसेज भी सप्लाई करते हैं, आपके गुड्स में नॉन एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं और एग्जेम्प्ट गुड्स भी हैं, ऐसे ही आपकी सर्विसेज में नॉन एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी हैं और
एग्जेम सर्विसेज भी हैं। आपका सेक्शन 2(6) में एग्रीगेट टर्नओवर जैसे डिफाइंड है, आप जब 2(6) के हिसाब से इसे पढ़ेंगे तो आपके गुड्स नॉन एग्जेम्प्ट है या एग्जेम्प्ट है, आपकी सर्विसेज नॉन एग्जेम्प्ट है या फिर एग्जेम्प्ट है, सब कुछ जोड़ करके बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर। और इस एग्रीगेट टर्नओवर को जिस दिन भी आप 10 लाख 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी क्रॉस करेंगे, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप सेक्शन 22 इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अब बात आती है बेटा आपके कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम में जब आप एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड पढ़ेंगे तो कंपोजिशन स्कीम पढ़ते टाइम गुड्स नॉन एग्जेम्प्ट हो एग्जेम्प्ट हो दोनों लेंगे, सर्विसेज नॉन एग्जेम्प्ट हो दोनों लेंगे, लेकिन एक एग्जेम्प्ट सर्विस आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो एक एग्जेम्प्ट सर्विस उसमें काउंट नहीं करेंगे। माइंड माय वर्डिंग, एक एग्जेम्प्ट सर्विस आप उसमें काउंट नहीं करेंगे। और वो कौन सी एग्जेम्प्ट सर्विस है वो मैंने यहां लिखा है इंटरेस्ट की। वो एग्जेम्प्ट सर्विस है आपकी इंटरेस्ट की। आपको याद होगा अगर आप किसी को लोन देते हैं पैसा और वो पैसा आप उसे यूज करने के लिए दे रहे हैं, लो भाई 5 लाख रुपए लो और मेरे पैसे को तुम यूज करो, एक साल बाद रिपे कर देना, और इस एक साल के दौरान तुमने मेरा पैसा यूज किया है तो उसके लिए तुम मुझे इंटरेस्ट दे देना। तो आपको याद होगा दिस इज अ सर्विस एक्टिविटी, लेंडिंग यूर मनी टू अ पर्सन एंड अलोइंग दैट पर्सन टू यूज इट फॉर अ कंसिडरेशन, दैट इज अ सर्विस एक्टिविटी। आप पैसे को दूसरे को यूज करने को दे रहे हो, बदले में कंसिडरेशन ले रहे हो इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट पर आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनती है। लेकिन आपको याद होगा गवर्नमेंट ने इस इंटरेस्ट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन इशू कर रखी है। क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी, इवन अदरवाइज आपके एग्जम्पशन मटीरियल में थी, कि अगर सर्विस दी जा रही है बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस बाय एनीवन, बैंक हो या कोई प्राइवेट हो, अगर सर्विस दी जा रही है किस तरीके से बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग सम लोन दिया जा रहा है, सम एडवांसेस दिए जा रहे हैं या सम डिपॉजिट्स लोन्स एडवांसेस, और कंसिडरेशन क्या लिया जा रहा है इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट। सो फार एज दैट इंटरेस्ट और डिस्काउंट इज कंसर्न्ड दैट इज एग्जेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम जीएसटी। और इसका लॉजिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बैंक में लोग अपना डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक उन्हें क्या देता है इंटरेस्ट। टेक्निकली लोगों ने बैंक में पैसा रखा, बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने उसे यूज किया, उसका इंटरेस्ट दिया, तो लोगों ने बैंक को क्या दे दी सर्विस, पर जीएसटी उस पर नहीं आएगा, गवर्नमेंट ने जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है, ये इंटरेस्ट वाली जो एग्जेम्प्टेड सर्विस है, ये जब आप कंपोजिशन के पर्पस के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट जब आप निकालेंगे तो आप इंटरेस्ट वाली एग्जेम्प्टेड सर्विस को उसमें काउंट नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखना बड़ा स्पेशल पॉइंट है। दोबारा बोलना चाहूंगा, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए बात कर रहे हैं, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट नोटिफिकेशन ने बताई, और नोटिफिकेशन ने क्या बोला एग्रीगेट टर्नओवर कितना होना चाहिए 150 लाख या 75 लाख। अब एग्रीगेट टर्नओवर एज पर द डेफिनेशन इसमें सब कुछ आता है, एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट, पर बेटा एक ROD ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया है, आई होप यू रिमेंबर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। सेक्शन 172 में गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि अगर किसी प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करते टाइम गवर्नमेंट को यह लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ROD ऑर्डर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशू करने की पावर रखती है और ऑर्डर्स के थ्रू उस डिफिकल्टी को दूर कर सकती है।
तो लोगों ने कहा जी हमारी एलिजिबिलिटी की लिमिट आपने 150 लाख रखी है, इसमें इंटरेस्ट हमारा बैंक से जो आएगा वो भी आएगा, और वो हो सकता है हमें इनएलिजिबल कर दे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप कंपोजिशन के पर्पस के लिए, आप कंपोजिशन स्कीम के पर्पस के लिए कम से कम इस इंटरेस्ट इनकम को एग्रीगेट टर्नओवर की काउंटिंग से बाहर करें। तो बेटा लेटेस्ट आरओडी ऑर्डर 2019 में इशू हुआ है, जिसने स्पेसिफिकली ये बोला है कि इंटरेस्ट वाली एग्जेम्प्ट सर्विस जो होगी वो हम आपकी एलिजिबिलिटी लिमिट का एग्रीगेट टर्नओवर जो होगा उसमें काउंट नहीं करेंगे। एंड प्लीज ध्यान में रखिएगा, दिस एक्सक्लूजन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इशुएंस ऑफ अ न्यू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। सर अमेंडमेंट से पहले क्या था? बेटा पहले क्या था मैं उसके कंपैरिजन आपको अवॉइड करके चल रहा हूं, बिकॉज अननेसेसरी इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। आप नया क्या है उसके ऊपर ध्यान में रखो। बाकी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, कुछ लोगों की आदत होगी नहीं, पहले सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक पासिंग लाइन बोल रहा हूं। अमेंडमेंट से पहले भी एक ऐसा ही रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशूड था। वो जो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर पहले इशूड था वो हर तरीके की एग्जेम्प्ट सर्विस, माइंड माई वर्ड, हर तरीके की एग्जेम्प्ट सर्विस को एग्रीगेट टर्नओवर से बाहर करवाता था। इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड इस आरओडी ऑर्डर से पहले जो पुराने प्रोविजंस थे उसमें एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ था। उस एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करते टाइम आप हर तरीके की एग्जेम सर्विस को बाहर करते थे, माइंड माय वर्ड, हर तरीके की एग्जेम सर्विस को बाहर करते थे। नए प्रोविजंस में लिमिट तो 1 करोड़ को बढ़ा करके 1.5 करोड़ कर दी गई है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस 1.5 करोड़ की लिमिट में आज की डेट में एग्जेम सर्विसेज भी आएंगी। सिर्फ एक एग्जेम सर्विस है ये इंटरेस्ट वाली जो कि उस काउंटिंग में नहीं आएगी। पुराना ऑर्डर खत्म कर दिया गया है, नया ऑर्डर ये इशू कर दिया गया है जिसने स्पेसिफिकली बोला है कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम जो होगी वो इस टर्नओवर में कंसीडर नहीं की जाएगी। मैं आपको रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर दिखाता हूं, नोटिफिकेशन पर वापस आइएगा। सो ये नोटिफिकेशन हो गया जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी। इसके नीचे बेटा देखिएगा सेक्शन 172 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, ठीक है जी। सो मैंने क्या बोला जी, सुनिएगा, सेक्शन 172 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, मैंने लिखा सिंपली वर्ड में लिखा पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिमिट ऑफ एटीओ, ठीक है जी। तो इसमें जो एग्जेम सर्विस होगी इंटरेस्ट वाली दैट शेल बी एक्सक्लूडेबल, ये तो बेटा मैंने लिखा है इसका स्टेट ऑफ ए क्रक्स। बाकी नेक्स्ट पेज पर एग्जैक्ट ऑर्डर की लीगल लैंग्वेज है, देखो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विसेज, बट सारी नहीं, कौन सी एग्जेम्प्ट सर्विसेज, विच इज गिवन बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स और डिपॉजिट लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्न ओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन स्कीम एज अ सप्लायर यू वॉन्ट टू इवेल्युएट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आपको क्या चेक करना है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। अब प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर जो आप निकालेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर 2.6 के हिसाब से उसमें एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट सब आता है, पर इस ऑर्डर की वजह से आपको क्या करना है, अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सर्विस डिपॉजिट लोन और एडवांसेस वाली है जिसमें आपने इंटरेस्ट कमाया था जो एग्जेम्प्ट रहा है, तो आपको उसे एक्सक्लूड कर देना है।
Rest every other exempted service will remain within the aggregate turnover, but interest वाला जो होगा वो उसमें से बाहर हो जाएगा. नीचे एक छोटा सा मैंने आपको इलस्ट्रेशन भी दे दिया, लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. एक्स वाई जेड इज अ डीलर इन स्टेशनरी और इसने इंटरेस्ट रेट सप्लाई करी है 140 लाख की एंड हैड प्रोवाइडेड सम एग्जाम सर्विस ऑफ 5 लाख एंड इंटरेस्ट इसने अर्न किया है 7 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. कोई सप्लायर है जिसने पिछले साल 140 लाख के गुड्स का काम किया है, 5 लाख की कोई एग्जाम सर्विस है और इंटरेस्ट इनकम 7 लाख की है. डिटरमाइन वेदर इट इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट ईयर. तो बेटा इसने पिछले साल 140 लाख का गुड्स का काम किया है, 5 लाख की कोई एग्जाम सर्विस है एंड 7 लाख की इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस है. तो वैसे तो टेक्निकली बात करो तो इसका टोटल काम कितना हो गया, 152 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26. उसके हिसाब से तो एग्जाम नॉन एग्जाम सारे काम आएंगे तो टोटल कितना हो गया, 152 लाख. पर रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर अब आपका क्या कह रहा है, कंपोजिशन स्कीम के लिए जब आप एलिजिबिलिटी लिमिट चेक करेंगे तो उस एलिजिबिलिटी लिमिट के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर आप निकालेंगे उसमें आप इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस को बाहर रख कर के चलेंगे, जिसकी वजह से अब ये एग्रीगेट टर्नओवर 152 लाख का ना हो करके आप 145 लाख का पढ़ेंगे. और 145 लाख का अगर आप पढ़ेंगे तो फिर क्या कंपोजिशन स्कीम के लिए ये पर्सन एलिजिबल हो जाएगा, आंसर इज यस. इस ऑर्डर को इशू करने की वजह क्या रही है, तो बड़ी ऑब्वियस सी वजह है, बहुत सारे सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो रहे थे. किस वजह से, इंटरेस्ट इनकम के कंपोनेंट की वजह से. तो गवर्नमेंट ने उस इंटरेस्ट इनकम के कंपोनेंट का इफेक्ट बेसिकली एलिमिनेट कर दिया है. एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा. मैं समरी बोलूं पहले तो आपको अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट से पहले कंपोजिशन की लिमिट एलिजिबिलिटी लिमिट 1 करोड़ थी इन जनरल, नाउ दैट हैज बीन एनहांस टू 150 लाख. पहले 100 लाख थी अब 150 लाख, वेरी गुड. अमेंडमेंट से पहले उस एलिजिबिलिटी लिमिट को जब आप निकालते थे तो उसमें हर एग्जेम्प्ट सर्विस को बाहर रखते थे, पर अमेंडमेंट के बाद अब आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस को बाहर रखेंगे. अच्छा, और बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, एक और क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने कई बार आपसे पूछा है और पूछ सकता है वो ये है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर आपको जीएसटी के लॉ में कई जगह निकालना पड़ेगा. कंपोजिशन स्कीम के लिए भी निकाला आपने, रजिस्ट्रेशन या अदर जगह भी निकाला, प्लीज ध्यान में रखिएगा, इट इज ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम आपको इंटरेस्ट इनकम बाहर करनी है. अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी और प्रोविजन के पर्पस के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई और प्रोविजन हो, आपको उस केस में इंटरेस्ट का कोई एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा. उस केस में आपकी सारी एग्जाम सर्विस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर. एग्जामिनर आपको रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में अगर क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो सब कुछ जोड़ोगे. इट इज ओनली एंड ओनली फॉर दिस चैप्टर, कंपोजिशन चैप्टर, कि आपको ये जो एक्सक्लूजन जो है वो प्रोवाइड किया गया है. आर यू ओके विद दिस? चल सकता हूं आगे. चलो और सुनो बेटा, अगली बात, नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 3, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट इस चैप्टर में जो की गई है, अब वो सुनो.
अब बेटा हमारी जो कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजंस होते थे, जरा ध्यान से सुनना, और इनफैक्ट नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से रखना। हमारी जो कंपोजिशन स्कीम के पहले प्रोविजन होते थे वो स्कीम बेसिकली ये कहती थी, इफ देर इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, तो बेसिकली कंपोजिशन स्कीम सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए बनी होती थी। अगर सप्लायर ऑफ सर्विसेज की हम बात करते थे तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज वालों को कंपोजिशन स्कीम मिलती थी। जरा मेरा डायग्राम देखिएगा, अगर सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए हम बात करते थे तो सेक्शन 10(1)(a) वो ये कहता था, यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड यू आर बेसिकली अ मैन्युफैक्चरर। देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इन तीन प्रोडक्ट्स की बात तो छोड़ दो क्योंकि इन तीन को तो हमने स्कीम नहीं दी है। रेस्ट अगर आप और किसी भी तरीके के गुड्स के मैन्युफैक्चरर सप्लायर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते थे, और आपको कंपोजिशन स्कीम में काम करते टाइम 1% ऑफ टर्नओवर जीएसटी अपना पे करना होता था। आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं, ओ आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं लेकिन मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर हैं, अगेन 10(1)(c) कहता था आप कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते हैं। एंड एज अ ट्रेडर आप किसी भी गुड्स के ट्रेडर हो, भले ही आइसक्रीम, पान मसाला और टोबैको की भी क्यों ना हो, आप कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते थे और टर्नओवर का 1% आप अपना कंपोजिशन टैक्स पे कर सकते थे। जब हम आते थे सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए सेक्शन 10(1)(b) कहता था कि आप अगर बेसिकली रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज जो कि शेड्यूल 2 पैरा 6(b) में स्पेसिफाइड की गई है। वैसे तो बेटा रेस्टोरेंट और कैटरिंग की सर्विसेज में गुड्स भी होते हैं और सर्विसेज भी होती है, पर शेड्यूल 2 में पैरा 6(b) में यह लिखा गया था कि रेस्टोरेंट की काम करने वाले लोगों को हम सप्लायर ऑफ सर्विसेज ही बोलेंगे। और सेक्शन 10(1)(b) ये कहता था रेस्टोरेंट या कैटरिंग की सर्विसेज जो देते हैं दे आर द ओनली पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते हैं, रेस्ट एनी अदर पर्सन दे कैन नॉट वर्क अंडर द कंपोजिशन स्कीम। सेकेंड बात, वो जब कंपोजिशन स्कीम में काम करेंगे रेस्टोरेंट वाले तो उनको अपने टर्नओवर का 5% कंपोजिशन टैक्स जो होगा वो पे करना पड़ेगा। देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टार्ट से आपको समझने हैं। नंबर वन, सप्लायर ऑफ गुड्स आर ऑलवेज एलिजिबल, सप्लायर ऑफ सर्विसेज नेवर एलिजिबल एक्सेप्शन रेस्टोरेंट। सप्लायर ऑफ गुड्स में कंपोजिशन टैक्स रेट इज 1%, सप्लायर ऑफ सर्विसेज में एक ही है रेस्टोरेंट वाला एंड उसके लिए कंपोजिशन रेट इज 5%। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, अब इशू क्या आ रहा था सुनिएगा बेटा। जो बेटा सप्लायर ऑफ गुड्स थे, आप विजुलाइज करो, मान लीजिए देयर इज अ पर्सन और वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड आउट करता है, 50-60 लाख रुपए का मान लीजिए इसका एवरेज टर्नओवर रहता है। अब ये 50-60 लाख का इसका एवरेज टर्नओवर रहता है तो इसका मन ये है कि ये जीएसटी में एज अ कंपोजिशन सप्लायर काम करे। कंपोजिशन सप्लायर होने के अपने बेनिफिट्स है, जैसे क्वार्टरली टैक्स पेमेंट होती है, आपके कंप्लायंसेस जो होते हैं वो मंथली नहीं होते हैं तो आपको बेनिफिट होता है, तो ये चाहता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम में काम करूं। और बेटा काम भी 50-60 लाख रुपए है तो एलिजिबिलिटी भी इसकी नजर आती है टर्नओवर के एंगल से। अच्छा, अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बेचता है तो बेटा अब अक्सर क्या होता है, इसके कस्टमर इससे प्रोडक्ट ले जाते हैं, कभी कभार उन प्रोडक्ट्स में कुछ इशू आ जाते हैं तो वो कस्टमर वो प्रोडक्ट्स लेकर के इसी के पास आते हैं और वो इससे चाहते हैं कि वो रिपेयर करके दे दे। तो इस आदमी ने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए रिपेयर्स का काम भी खोला हुआ है। क्या खोला हुआ? रिपेयर्स का काम भी खोला हुआ है। अब इस पर्सन का बेटा मेन बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बेचना, पर अपने उसी बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री मतलब सप्लाई करने के लिए इसने रिपेयर्स भी अवेलेबल करा रखी है। रिपेयर से 1-2 लाख का ये बिजनेस कर लेता होगा। लेकिन बेटा अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी, सुनिएगा, इन लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी। द मोमेंट ये सप्लायर ऑफ गुड्स
जिसका प्राइमरीली बिजनेस सप्लाई ऑफ गुड्स करना था, द मोमेंट ये पर्सन सर्विसेज भी सप्लाई करता था, ये कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाता था। सेक्शन 10 में यह लिखा हुआ था, यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स, यू आर एलिजिबल, बट द मोमेंट इट इज फाउंड दैट यू आर ऑल्सो सप्लाइंग सर्विसेज, एंड डेफिनेटली रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग की बात नहीं कर रहा, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग को छोड़ करके एनी अदर सर्विसेज इफ यू आर फाउंड टू बी सप्लाइंग, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। अच्छा, अब ये जो प्रोविजन था सेक्शन 10 में, ये प्रोविजन बेटा ये लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहा था। ये जितने भी सप्लायर ऑफ गुड्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी और उन्होंने बोला, जी देखिए हम प्योरली सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं हो सकते, अपने को थोड़ी बहुत सर्विसेज जनरली अपने कस्टमर को देनी पड़ती है। अब मैं थोड़ी सी भी सर्विस देता हूं तो मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाता हूं, ये बात गलत है। आप हमें कुछ वैल्यू ऑफ सर्विसेज देना जो है वो परमिट करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सर्विसेज देने वालों को कंपोजिशन स्कीम दे दो, पर हम ये कह रहे हैं जो गुड्स के सप्लायर हैं उनको थोड़ी बहुत अगर वो सर्विसेज दे तो उस थोड़ी बहुत सर्विसेज की वजह से कंपोजिशन स्कीम की इनएलिजिबिलिटी ना आए। तो बेटा लॉ ने अब अमेंडमेंट करी है एंड सेक्शन 10 में ये लिख दिया गया है, सुनिएगा ध्यान से, लॉ ने अमेंडमेंट करी है एंड सेक्शन 10 में अब ये लिख दिया गया है, एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि आप 10(1)(a) 10(1)(c) 10(1)(b) आप जो भी पर्सन अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो। लॉ ने अब ये लिखा है, ये जो भी लोग अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रखे गए थे, ये लोग अब थोड़ी वैल्यू की सर्विसेज अगर प्रोवाइड करेंगे तो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल ही रहेंगे। पहले सिंपल वर्ड्स में समझना, सेक्शन 10 हैज बीन अमेंडेड टू स्पेसिफिकली प्रोवाइड दीज थ्री कैटेगरी ऑफ पर्संस हु आर अदरवाइज एलिजिबल, दे विल रिमेन एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम इवन इफ दे आर प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज बट अप टू सर्टेन वैल्यू। अब वो वैल्यू क्या है, वो उन्होंने कहा जी आपका प्रीवियस ईयर का जो भी एग्रीगेट टर्नओवर था, आपका प्रीवियस ईयर का जो भी टर्नओवर था उस टर्नओवर का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर, उसका 10% योर टर्नओवर का 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, इतनी लिमिट की सर्विसेज आपको देना अलाउ कर दिया गया है। कहने का मतलब, जैसे अगर ये आदमी जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का सप्लायर था, मैं आपसे ये कहूँ फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसने अपने शॉप से जो सप्लाई करी थी वो 60 लाख की करी थी, अब फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह आदमी पूछ रहा है कि क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हूँ, तो बेटा 2021 में हम इसकी एलिजिबिलिटी के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे, पिछले साल का टर्नओवर क्या है 60 लाख, तो मैं बोलूँगा जी 60 लाख है और मान लीजिए ये दिल्ली में काम करता है तो 150 लाख की स्पेसिफाइड लिमिट है, इसका तो 60 लाख ही है, ये एलिजिबल है। अब ये पूछेगा जी लेकिन मैं रिपेयर की सर्विसेज भी दूंगा, उससे इनएलिजिबल तो नहीं हो जाऊंगा? अब हम बोलेंगे भाई साहब आप घबराओ मत, लॉ में अमेंडमेंट हो गई है, अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचने के साथ साथ उनकी रिपेयर की सर्विसेज भी दे सकते हैं। उसने बोला जी मैं रिपेयर्स का कितना काम कर सकता हूँ, तो बेटा रिपेयर्स का कितना काम कर सकता है, पिछले साल का टर्नओवर कितना था 60 लाख, इसका 10% कितना हो गया 6 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो बेटा इसको 6 लाख की सर्विसेज फाइनेंशियल ईयर 2021 में देना अलाउड हो गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6 लाख तक की सर्विसेज देगा
तो भी ये इनएलिजिबल नहीं होगा। हाँ, 6 लाख से ज्यादा की देगा तो इनएलिजिबल हो जाएगा, बट 6 लाख तक की सर्विसेज देने तक ये कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट से पहले ये 1 रुपए की रिपेयर सर्विस नहीं दे सकता था। जैसे ही ये कोई भी सर्विस देता इनएलिजिबल हो जाता, पर अमेंडमेंट के बाद इन लोगों को कह दिया गया है आप अगर एलिजिबल हो तो आप अदर सर्विसेज दे सकते हो। कितनी? पिछले साल के टर्नओवर का 10% या 5 लाख, विच एवर इज हायर। अच्छा, और विच एवर इज हायर का सिंपल मतलब क्या है? 5 लाख तक की तो सबको ही मिल सकती है, पर आपका टर्नओवर ज्यादा था तो अपने टर्नओवर का 10% देख लेना, विच एवर इज हायर, उतने लिमिट तक की आप सर्विसेज आज की डेट में कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबिलिटी मेंटेन रखते हुए दे सकते हो। एक बार चार्ट देखो, ये लोग जो भी एलिजिबल थे, मैंने क्या लिखा है देखो, अमेंडमेंट से पहले इफ दीज पर्सन सप्लाई एनी सर्विसेज, चाहे वो टैक्सेबल हो एग्जेम्प्ट हो, अगर ये कोई भी सर्विस देते थे, दे बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। ये कोई भी सर्विस अगर देते थे तो दे बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। अमेंडमेंट के बाद, पोस्ट अमेंडमेंट, दीज पर्सन कैन नाउ सप्लाई सर्विस, अब ये सर्विस दे सकते हैं टू द एक्सटेंट परमिसिबल बाय प्रोविजो टू 10(1). बेटा 10(1) में एक प्रोविजो इंसर्ट कर दिया गया है बाय CGST अमेंडमेंट एक्ट, और परमिसिबल लिमिट जो वो प्रोविजो कहते हैं, वो कहता है हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीवियस ईयर, जिस स्टेट से ये काम कर रहा है उस स्टेट में इसका जो टर्नओवर है उसका 10%, या फिर 5 लाख। बात समझ में आई है सबको? तो अगर किसी आदमी ने 40 लाख का काम किया था पिछले साल, तो 40 लाख का काम करने का मतलब 10%, 4 लाख, और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो वो 5 लाख तक की सर्विस दे सकता है, कंपोजिशन स्कीम में रहेगा। और अगर किसी ने 80 लाख का काम किया था तो 10% ऑफ 80 लाख 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर 8 लाख, तो वो 8 लाख तक की सर्विसेज जो है वो दे सकता है। अमेंडमेंट का लॉजिक मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे बेटा। अमेंडमेंट टैक्स पेयर्स की एक लंबे समय से चली आ रही डिमांड थी, जो ये कह रहे थे कि भाई साहब आपका ये प्रोविजन कि हम 1 रुपए की सर्विस नहीं दे सकते, सर्विस देंगे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हमें जनरली कोई ना कोई सर्विस किसी ना किसी वजह से देनी पड़ती है। कभी हमें वारंटी सर्विस देनी पड़ जाती है, कभी हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देनी पड़ जाती है, कभी हमें रिपेयर सर्विस देनी पड़ जाती है, आफ्टर सेल सर्विसेज कई बार देनी पड़ जाती है, हम इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो हमें प्लीज, हम वी आर मेनली अदरवाइज एलिजिबल, आप हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश जो है वो सर्विसेज की प्रोवाइड करें, और लॉ ने उस गुंजाइश को आपको अलाउ कर दिया है, अप टू दिस लिमिट यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज। आपको लीगल वर्डिंग सिखाता हूं, सेक्शन 10, नेक्स्ट पेज पर आइएगा डायग्राम के बाद, सेक्शन 10, ये राजी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है। ओपनिंग वर्ड्स तो बेटा वही है कि रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इतना हो वो ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है। अब कंपोजिशन स्कीम के लिए वो ऑप्ट करता था तो उसमें बेटा ए बी और सी 3 बातें लिखी होती थी कि एज अ मैन्युफैक्चरर आप चलोगे, एज अ रेस्टोरेंट वाले आप चल सकते हो, या एज अ ट्रेडर ऑफ गुड्स आप चल सकते हो, वो सब लिखा हुआ था। अब जो नया प्रोविजो इंसर्ट हुआ है उसके ऊपर इम्फोसिस लो। नया प्रोविजो ये कहता है अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लोज ए, क्लोज बी और क्लोज सी। सेक्शन 10(1) में ए बी सी 3 क्लोज होते थे, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट एंड ट्रेडर्स। तो वो कह रहे हैं कोई भी पर्सन जिसने टैक्स पे करने के लिए ऑप्ट किया, अंडर क्लोज ए मतलब मैन्युफैक्चरर, क्लोज बी मतलब रेस्टोरेंट, एंड क्लोज सी मतलब ट्रेडर्स, तो जिसने भी क्लोज ए बी और सी में ऑप्ट किया है, दे में सप्लाई सर्विसेज, अब वो सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हैं अदर देन दोज रेफर टू इन पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2।
और जिन सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं उसमें रेस्टोरेंट वालों की बात नहीं कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, एक मैन्युफैक्चरर क्या रेस्टोरेंट की सर्विस पहले देता था तो वो एलिजिबल होता था? आंसर इज यस, रेस्टोरेंट की सर्विस देना अलाउड था। तो वो कह रहे हैं हम रेस्टोरेंट की सर्विस की बात नहीं कर रहे, उसके अलावा एनी अदर सर्विस जो पहले आप नहीं दे सकते थे हमने उन सर्विस को देना आपको अलाउड किया है। आप इन तीन में से कहीं भी आते हो आज की डेट में, और रेस्टोरेंट की सर्विस तो पहले ही दे सकते थे, उसके अलावा आप सर्विसेज दे सकते हैं ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। आप इतनी वैल्यू की सर्विस जो है वो आज की डेट में दे सकते हैं। बेटा इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ बहुत सारे बनने वाले हैं, सिंपल वर्ड्स में ध्यान में रखिएगा। स्कीम में बहुत बड़े जो बदलाव हैं वो दो हैं, एक तो स्कीम में टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है जिससे ज़्यादा लोग इस स्कीम के स्कोप में आएंगे, और दूसरा टैक्स पेयर की डिमांड के ऊपर अब टैक्स पेयर को साथ में थोड़ी वैल्यू ऑफ सर्विस देना जो है वो अलाउ कर दिया गया है, और वो परमिसिबल लिमिट आपको ध्यान में रखनी है प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। अच्छा यहाँ मैं साथ में आपको ये बोल देना चाहूँगा, अमेंडमेंट से पहले आप कोई भी सर्विस नहीं दे सकते थे, रेस्टोरेंट को छोड़ दो आप कोई भी सर्विस नहीं दे सकते थे, और ये बात लिखी होती थी 10 सबसेक्शन 2 में। 10 सबसेक्शन 2 में ये लिखा रहता था कि कोई भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है अगर अगर वो रेस्टोरेंट के अलावा कोई भी और सर्विस देता है। अब बेटा साथ ही में सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 को भी अमेंड कर दिया गया है और वहां लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, वहां ये लिखा गया है आज की डेट में एक आदमी कंपोजिशन स्कीम के लिए इन एलिजिबल तब होगा अगर वो जो सर्विसेज देता है वो सर्विसेज ये जो नई लिमिट दी गई है प्रोविजो में इस लिमिट से एक्सीड करती है। जब तक वो प्रोविजो के दायरे में सर्विस देगा वो एलिजिबल रहेगा, अगर वो प्रोविजो के दायरे से ज़्यादा सर्विसेज देगा तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 नीचे ही मैंने दिया, ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या लिखता है। ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1। एक रजिस्टर्ड पर्सन सबसेक्शन 1 में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो उसके लिए एलिजिबल रहेगा इफ सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेस। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज क्या कह रही है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में ये जो नया प्रोविजन है इसने आपको जितनी भी परमिसिबल लिमिट दी है आप उतने तक काम करो, नो इशू। अदरवाइज अगर आप इस प्रोविजो के दायरे से बाहर हैं तो आप तभी एलिजिबल हो जब आप कोई सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं करते हैं। बेटा ये प्रोविजो एंड 10-2 एक ही कंबाइंड रीडिंग, इसका मतलब क्या है देखो, 10-2A की लैंग्वेज ये कह रही है यू शैल नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस प्रोविजो। आपको कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल रहना है तो आपको सर्विसेज सप्लाई नहीं करनी है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब जितना प्रोविजो ने बोला है उतनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे नो इशू, अगर उससे ज्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और इन दोनों की कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग सिंप्लीफाइड सेंस में प्रेजेंट करी है मैंने नीचे बाय वे ऑफ टेबल, नीचे प्रेजेंट करी है मैंने बाय वे ऑफ टेबल। देखिएगा मैंने लिखा है जी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड कंपोजिशन स्कीम, अलर्ट हो जाइएगा जरा मैंने क्या लिखा देखिएगा। सेक्शन 10-2 वो हमारे को जनरल रूल ये देता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में रहना है तो आप सर्विसेज नहीं देंगे बट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 10-1। 10-1 ने जितना अलाउ किया है उतनी सर्विसेज आप दे सकते हैं।
और 10(1) ने कितना अलाउड किया है वो आपको अलग से ध्यान में रखना है कि कितनी एक्सटेंट ऑफ सर्विसेज आज की डेट में दी जा सकती है। और आप चाहो तो इसे मैंने जो टेबल बनाई है उस हिसाब से दे दो। और सुनो, अब आप कैसे याद रखना, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप सर्विसेज देते हो पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2। पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2 का मतलब रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज। अगर आप रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज देते हो तो सेक्शन 10(1)(b) में आप पहले भी एलिजिबल थे, आज भी एलिजिबल हो। एंड एज अ रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज अगर आप कंपोजिशन स्कीम में काम करोगे तो आपको क्या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिमिट के अंदर की सर्विस देनी है? आंसर इज नो। आप कंपोजिशन स्कीम की जो नॉर्मल लिमिट है उसके हिसाब से काम करोगे। मैंने क्या लिखा, अगर आप 6B की सर्विसेज देते हो तो इज देयर एनी अपर लिमिट? नो। आप विद इन ओवरऑल एलिजिबिलिटी लिमिट जो 150 लाख की होती है उसके हिसाब से आप काम करोगे। पर अगर आप कोई अदर सर्विसेज देते हो, रेस्टोरेंट वाली नहीं, अदर सर्विसेज, तो फिर आपको ध्यान में रखना है अदर सर्विसेज अगर आप दोगे तो आपको वो जो नए प्रोविजो में लिमिट अलाउड है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। और आप जो अदर सर्विसेज देंगे वो आपके 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। एम आई क्लियर? अच्छा, और यहाँ एक बड़ी बात ये ध्यान में रखिएगा बेटा, यहाँ एक बड़ी बात ये ध्यान में रखिएगा, गवर्नमेंट ने साथ ही में एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर भी इशू किया है। गवर्नमेंट ने साथ ही में एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर भी इशू किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ये जो आपकी परमिसिबल लिमिट सर्विसेज के लिए दी गई है, ये जो आपकी परमिसिबल लिमिट सर्विसेज के लिए दी गई है, इस लिमिट में ये जो भी आप परमिसिबल लिमिट निकालेंगे इस लिमिट में आप इंटरेस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट आपका सेपरेट रहेगा, इंटरेस्ट आपका जो होगा वो सेपरेट रहेगा। क्या कह रहा हूं जरा सुनिएगा एक बार बेटा, इस प्रोविजो को जरा ध्यान दो, दोबारा ध्यान दो, दो तीन स्पेशल पॉइंट बुलाता हूं। इस प्रोविजो ने बोला वो पर्सन जिसने भी क्लोज ए मैन्युफैक्चरर या क्लोज बी और रेस्टोरेंट या क्लोज सी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट या ट्रेडर, जिस किसी ने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है उसको हमने सर्विसेज देना अलाउ कर दिया है अप टू दिस लिमिट। मुझे यहां 2-3 बार पॉइंट्स को दोहराना पड़ेगा, आपकी टेंशन चाहिए होगी। इस प्रोविजो की वजह से मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट या ट्रेडर, जिस किसी ने भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया, उन लोगों को हमने अप टू सर्टेन लिमिट सर्विसेज देना अलाउ कर दिया। लोग इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मैडम। मान लीजिए मैं इस टाइम आपको कोचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, क्या एज अ सप्लायर ऑफ कोचिंग सर्विसेज मेरे को कंपोजिशन स्कीम मिलती है? आंसर इज नो। एज अ सप्लायर ऑफ कोचिंग सर्विस, बेटा सर्विस में सिर्फ एक ही आदमी को मिलती थी, किसको? रेस्टोरेंट वाले को। मैंने कोचिंग सर्विस दी, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हूं? आंसर इज नो। मैं क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, कहीं पर भी मैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। और प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम को क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी में ऑप्ट ही नहीं कर सकता तो मैं इस प्रोविजो में कितनी लिमिट की सर्विस दे सकता हूं, ये प्रोविजो का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इस प्रोविजो से बेटा इन्होंने क्या कहा है, जो लोग अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड हैं उनके लिए सर्विसेज कुछ लिमिट की देना हमने अलाउड करी है। हमने ये नहीं कहा कि वो लोग जो कंपोजिशन स्कीम पहले ले ही नहीं सकते थे वो भी अब ले सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स,
कोचिंग सर्विसेज, दे वर नेवर एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10. उन्हें सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम पहले भी नहीं मिलती थी, उन्हें आज भी नहीं मिलेगी सेक्शन 10 की कंपोजिशन स्कीम. जिन लोगों को कंपोजिशन स्कीम मिलती थी उन लोगों को अब कुछ सर्विसेज देना अलाउ कर दिया गया है. पॉइंट टू बी नोटेड. एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बेचता है, उसे कंपोजिशन स्कीम मिलती है? हाँ. अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो वो क्लोज ए में ऑप्ट कर सकता है, अगर वो ट्रेडर है तो क्लोज सी में ऑप्ट कर सकता है. अब ऐसे सप्लायर जो क्लोज ए या क्लोज सी में ऑप्ट कर सकते थे, उनको अगर वो रिपेयर की सर्विस देंगे तो रिपेयर की सर्विस दे सकते हैं और स्कीम में रहेंगे. पर अगर एक आदमी जिसकी सिर्फ रिपेयर की वर्कशॉप थी, वो आदमी कहे मुझे कंपोजिशन स्कीम क्या मिल जाएगी सेक्शन 10 में, हम बोलेंगे आंसर इज नो. आप एज अ सप्लायर ऑफ रिपेयर सर्विस पहले भी एलिजिबल नहीं थे, आज भी एलिजिबल नहीं हो. प्रोविजो ने सप्लायर ऑफ सर्विसेज को एलिजिबल नहीं बनाया है. प्रोविजो का काम है जो लोग एलिजिबल थे उन लोगों को एलिजिबिलिटी में रखा जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग कि वो कुछ सर्विसेज भी देते हैं. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, एग्जामिनर बोलेगा मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसका टर्नओवर जो है वो प्रीवियस ईयर्स में इतना था और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है सेक्शन 10 में, क्या वो ले पाएगा? आप लिख देना आंसर इज नो. अ प्योर सप्लायर ऑफ सर्विस वो नहीं आया है कंपोजिशन में, वो पहले भी नहीं था, वो आज भी नहीं है. जो थे मैन्युफैक्चर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट वाले, उनके लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि वो जो अदरवाइज एलिजिबल थे वो एलिजिबल ही रहेंगे, चाहे वो साथ में थोड़ी बहुत सर्विसेज देने का काम भी क्यों ना करते हो. दिस इज पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड. अच्छा, दूसरी बात, अब जो भी क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी में इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं, दे मे सप्लाई सर्विसेज, वो सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं. कौन सी सर्विसेज? रेस्टोरेंट वाली को छोड़ करके वो और कोई भी सर्विसेज आज की डेट में दे सकते हैं विद इन दिस लिमिट. अच्छा, और प्लीज ध्यान में रखिएगा, वर्ड यूज इज सर्विसेज, एंड सर्विस में भी एग्जाम सर्विस, सर्विस में भी नॉन एग्जाम सर्विस, सर्विस में भी एग्जाम सर्विस, सर्विस में भी नॉन एग्जाम सर्विस. जो वर्ड यूज किया गया दैट इज सर्विस. अगर वो वर्ड यूज करते टैक्सेबल सर्विस, टैक्सेबल सर्विस का मतलब होता नॉन एग्जाम सर्विस, बट अभी वर्ड क्या यूज है? सर्विस. तो सर्विस का मतलब क्या हो गया, प्लीज ध्यान में रखिएगा, सर्विस का मतलब हो गया नॉन एग्जाम्ड और एग्जाम्ड. जो आप एक सप्लायर ऑफ गुड्स है मान लीजिए, अब आपको अगर आप साथ में कोई सर्विसेज भी देते हैं तो अप टू दिस परमिसिबल लिमिट आप कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे. अब जिन सर्विसेज को देखना है वो एग्जेम्प्ट एज वेल एज नॉन एग्जेम्प्ट देखना है, पर प्लीज ध्यान में रखिएगा, एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इशूड है जिसमें यह बोला गया है कि हम आपकी परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विस जो है उसमें एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट दोनों देखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट इस परमिसिबल लिमिट में हम कंसीडर नहीं करेंगे. इंटरेस्ट का अमाउंट हम इस परमिसिबल लिमिट में कवर नहीं करेंगे. आपको जो ये लिमिट दी गई है वो एग्जाम नॉन एग्जाम दोनों को मिला के देखी जाएगी, लेकिन सो फॉर एज इंटरेस्ट वाली एग्जाम सर्विस इज कंसर्न वो यहाँ पर नहीं देखी जाएगी. इंटरेस्ट की कमाई आप कितनी भी करें वो इस परमिसिबल लिमिट में कंसीडर नहीं की जाएगी. एक ऑर्डर इशूड कर दिया गया है, देखिएगा नीचे मैंने जो टेबल बनाई थी, टेबल में ये आपको नजर आएगा, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर. ये ऑर्डर जो कि ये कह रहा है एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट और डिस्काउंट नॉट इंक्लूडेबल इन द अफोर्सेड लिमिट. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विसेज बाई वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेज इन सो फार एज कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेटिव बाई वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द
eligibility for composition scheme under second proviso to section 10(1). Second proviso to section 10(1) का मतलब हो गया permissible limit of services. तो what this is trying to say, आप composition scheme में काम करना चाहते हैं, आपको हमने permissible limit बता दी, आपकी जो भी सर्विस हो exempt non exempt आप अप टू दिस लिमिट दे सकते हैं, लेकिन इस लिमिट में इंटरेस्ट को हम काउंट नहीं करेंगे. मतलब इंटरेस्ट आपका 10 लाख 20 लाख कितना भी हो वो अलग रखो, अदर सर्विसेज जो है वो आप यहां पर काउंट करो. एज एन एग्जांपल अगर आप मुझसे बात करें तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मान लीजिए ये एक सप्लायर है, इसका ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं बेटा इसने गुड्स की सप्लाई करी 60 लाख की, सर्विसेज की इसने सप्लाई करी उसमें मान लेते हैं बेटा नॉन एग्जेम्प्ट जो है वो 10 लाख है, एग्जेम्प्ट जो है वो मान लेते हैं 10 लाख है, और इंटरेस्ट वाला एग्जेम्प्ट जो है वो 5 लाख है. तो अब बेटा वैसे तो इसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर कितना हो गया, 60, 70, 80, 85, लेकिन हमने क्या बोला था, आप जब इसका प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो इस 5 लाख को छोड़ देंगे. तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम के लिए कितना बनेगा, 80 लाख. और पूछा जाएगा क्या ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर करंट ईयर में अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो ये जा सकता है, और आप आंसर में बोलोगे जी कंपोजिशन स्कीम के लिए सेक्शन 10(1) ने ये बोला था एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 150 लाख तक का होना चाहिए, और इसका एग्रीगेट टर्नओवर वो है 80 लाख. तो ये सेक्शन 10(1) में टर्नओवर के एंगल से, टर्नओवर की दृष्टि से एलिजिबल है. अब ये सप्लायर आपसे पूछता है जी ठीक है, मैं अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेता हूँ तो क्या कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के बाद मैं सर्विसेज अगर दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना सर्विसेज, तो क्या ये जो सर्विसेज का मैं काम करता हूँ इस वजह से मैं इनएलिजिबल हो जाऊँगा या फिर मेरी एलिजिबिलिटी मेंटेन रहेगी? तो हमने बोला जी देखो, कोई भी आदमी अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, कोई भी आदमी अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है तो कंपोजिशन स्कीम में पहले तो ये शर्त होती थी 1 रुपये की सर्विस नहीं दे सकते, पर आज की डेट में क्या शर्त है, आप सर्विसेज की भी सप्लाई कर सकते हो. कितनी सप्लाई आप कर सकते हो? तो उन्होंने क्या बोला जी, जो आपको परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विसेज हैं वो सेक्शन 10(1) के सेकेंड प्रोविजो ने बताई है, सेक्शन 10(1) के सेकेंड प्रोविजो ने बताई है, और वो इन्होंने क्या बताई है, 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर या ₹5 लाख, विच एवर इज हायर, 10% ऑफ द टर्नओवर या फिर ₹5 लाख, विच एवर इज हायर. अच्छा जी, अब ये पूछता है भाई साहब मेरे 10% ऑफ टर्नओवर ये कितना है? तो बेटा इसका टर्नओवर आपने कंपोजिशन स्कीम के लिए कितना तय किया है, 80 लाख. प्लीज ध्यान में रखिएगा, टर्नओवर कितना तय किया है, 80 लाख. तो अकॉर्डिंगली 10% ऑफ टर्नओवर का मतलब कितना हो गया, 8 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर. तो इन द अल्टीमेट एनालिसिस इस आदमी को हम क्या बोलेंगे, तुम कितनी सर्विसेज दे सकते हो कंपोजिशन स्कीम में, 8 लाख की. तो हम इसे बोलेंगे भाई देख, अगर तू कंपोजिशन स्कीम में जाने का मन बना रहा है तो आज की डेट में, आज की डेट में से मेरा मतलब है बेटा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, 1 अप्रैल 2019 से ये अमेंडमेंट्स आपको यहां पर चेक करनी है. तो बेटा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर तुम कंपोजिशन स्कीम में जाने का मन बना रहे हो तो चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है. सर्विसेज देते हो तो भी तुम्हें कंपोजिशन मिल जाएगी, बट ध्यान में देखना है तुम्हें परमिसिबल सर्विसेज कितनी अलाउड है, 8 लाख. इस साल में अगर तुम 8 लाख तक की सर्विसेज ही दोगे तो कोई इशू नहीं है, पर अगर 8 लाख से ऊपर की सर्विसेज तुमने दी
तो द वेरी मोमेंट 8 लाख से ऊपर की सर्विस दी तुम इनएलिजिबल हो जाओगे। 8 लाख तक की सर्विसेज दो कोई इशू नहीं है, उससे ऊपर की जैसे ही सर्विसेज दोगे तुम इनएलिजिबल हो जाओगे। इस आदमी ने बोला अच्छा 8 लाख की सर्विस। उसने बोला साहब मेरा बैंक से इंटरेस्ट ही आता है, मेरा बैंक से इंटरेस्ट ही आता है 5-6 लाख का। हमने बोला भाई साहब जो बैंक से इंटरेस्ट आता है ना उसको सेपरेट रख दो, जो बैंक से इंटरेस्ट आता है ना उसको सेपरेट रख दो। इस 8 लाख की लिमिट में जो हमने तुम्हें निकाला है इसमें बैंक की इंटरेस्ट वाली कमाई तुम्हें कंसीडर नहीं करनी। देखो पिछले साल का टर्नओवर जब लिया था तो भी इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना, वो एक अलग बात थी। अब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर दो बातें कहता है, कहता है जी जो एलिजिबिलिटी के लिए टर्नओवर निकाल रहे हो उसमें भी नहीं करना, और उसके अलावा जब उस टर्नओवर के बेस पर आपने परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विसेज निकाली तो उस सर्विस की लिमिट में भी इंटरेस्ट नहीं काउंट करना। इंटरेस्ट अलग से जितना भी आए, 15 लाख आए 20 लाख आए, उसको अलग रखो। इंटरेस्ट को छोड़ करके एनी अदर सर्विस टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट वो आप 8 लाख तक की ही दे पाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोविजन? क्या बात सबको समझ आती है? वेरी गुड। तो बेटा ये सेक्शन 10(1) में अमेंडमेंट है। अच्छा जी, अब ये जो अमेंडमेंट है ना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी क्वेश्चन से। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको इसकी बिल्कुल समरी बोल दूं। पहला पॉइंट 10(1) स्कीम का दायरा बढ़ गया है क्योंकि अब इसमें 100 लाख की बजाय 150 लाख तक के टर्नओवर वाले लोग आ सकते हैं, और वो जो 150 लाख का टर्नओवर है उसमें इंटरेस्ट को बाहर रखना। एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जो भी लोग इस टर्नओवर के दायरे को पूरा करते हैं और इस स्कीम में आना चाहते हैं, भले ही वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर ऑफ गुड्स हो या फिर वो रेस्टोरेंट वाले हो, वो आज की डेट में अगर इस स्कीम में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। अगर वो कोई सर्विसेज और देते हो तो भी आ सकते हैं, लेकिन वो जो सर्विसेज देना उन्हें अलाउ किया गया है वो एक लिमिट तक ही अलाउ किया गया है। वो लिमिट निकालना आपने सीख लिया है, लिमिट निकाल लेंगे और ध्यान में रखेंगे वो जो भी लिमिट निकालेंगे उस लिमिट के अंदर आप सर्विस दे सकते हैं। इंटरेस्ट को बाहर ही रख के चलना, इंटरेस्ट एडिशनल है, इंटरेस्ट को छोड़ करके रेस्ट एनी अदर सर्विसेज उस लिमिट के अंदर दी जा सकती है। जब तक आप उस लिमिट के अंदर सर्विस दोगे आप एलिजिबल रहोगे, उस लिमिट से बाहर आप सर्विस दोगे तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे। बस दिस इज द अमेंडमेंट बेटा। अच्छा, अब सेक्शन 10 को अप्लाई करते टाइम एक छोटी क्लैरिटी और जो आपको मैं देना चाहूंगा, मतलब मुझे लगता है इस एक और एडिशनल पॉइंट के बाद आपको कोई भी बात कैसा भी क्वेश्चन आ जाए परेशान नहीं करेगी। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ ड्राफ्ट किया है और मैं चाहूंगा उसे आप भी अपनी कॉपी पर जो है वो ड्राफ्ट कर लें। कॉपी पर अपना ये एक छोटा एग्जांपल ड्राफ्ट कर लीजिएगा बेटा। इसमें मैंने ये लिखा है जी हमारे पास इधर एक असेसी है, मान लीजिए हम नाम दे देते हैं उसको मिस्टर राम। मिस्टर राम इसकी बेटा दो दुकानें हैं, प्रिमाइस 1 प्रिमाइस 2 प्रिमाइस 1 प्रिमाइस 2। एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब मिस्टर राम एक पर्सन है, इनकम टैक्स में मिस्टर राम ने पैन लिया हुआ है और इसकी दो दुकानें हैं। एंड लेट्स सपोज दोनों दुकानें अलग अलग स्टेट में हैं, एक लेट्स सपोज दिल्ली में है, दूसरी लेट्स सपोज हरियाणा में है। एंड जैसा कि आप जानते हैं जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, तो पर्सन ने
दिल्ली स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है एंड हरियाणा स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जिसकी वजह से प्रीमाइस वन का जीएसटीएन अलग है, प्रीमाइस टू का जीएसटीएन अलग है एंड अकॉर्डिंगली आपको ये भी पता है जीएसटी के एंगल से, क्योंकि इसको दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिए गए हैं तो जीएसटी के एंगल से ये दोनों प्रीमाइस क्या बन जाती हैं बेटा, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दोबारा दोहराना चाहूंगा, मिस्टर राम मान लीजिए दिल्ली का निवासी है, इनकम टैक्स में इसने पैन ले रखा है, इसकी एक दिल्ली में दुकान है, लेट्स सपोज इस दुकान से ये 40 लाख के आसपास का काम करता है, इसकी एक दुकान हरियाणा में है, लेट्स सपोज उस दुकान से ये 80 लाख के आसपास का काम करता है। अब दिल्ली वाली दुकान जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है एंड हरियाणा वाली दुकान जो है वो जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, बिकॉज जीएसटी स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कहता है, दोनों के सेपरेट जीएसटीएन है, दोनों दुकानें सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी वाला दोनों दुकानों से सेपरेट कंप्लायंसेस भी कराता है और जीएसटी में ये दो दुकानें अपने आप में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो है वो मानी जाती है, बिकॉज जीएसटी दोनों से सेपरेट कंप्लायंसेस कराएगा क्योंकि उन्होंने उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन दिए हैं। ठीक है जी, अब मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो राम है मान लीजिए ये राम आज की डेट में ये चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इन्होंने सुना कंपोजिशन स्कीम में बदलाव हुए हैं, 2019-20 में इन्होंने क्या सुना, सबकी नॉलेज में आया बदलाव हुए हैं, तो ये आपके पास आए, आप हैं नामी ग्रामी चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपसे पूछ रहे हैं जी कंपोजिशन स्कीम में मैंने सुना है काफ़ी बदलाव हुए हैं, क्या मेरे जैसा व्यक्ति भी आज की डेट में कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, तो हम पूछेंगे भाई साहब आपका टर्नओवर क्या है हमें बताओ ताकि हम आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सके। तो इसने बताया जी मैं दो दुकानों से काम करता हूं, मेरे दो जीएसटीएन है 40 लाख और 80 लाख और मैं कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता हूं, तो आप मुझे एक बार बताएं बेटा इसकी एलिजिबिलिटी लिमिट जब हम डिसाइड करेंगे इसका एग्रीगेट टर्नओवर जो हम देखेंगे वो दो दुकानें डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है अलग अलग देखेंगे या हम कंबाइंड करके देखेंगे, तो ऑब्वियस आंसर इज हम कंबाइंड करके देखेंगे। आपने सेक्शन 10 मैंने इतनी बार दोहराया आपने ध्यान दिया होगा, सेक्शन 10 जब एलिजिबिलिटी तय करवाता है तो वो एलिजिबिलिटी क्या कहता है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर क्या था, आपका एग्रीगेट टर्नओवर। एंड बेटा एग्रीगेट टर्नओवर प्लीज ध्यान में रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2(6) में डिफाइंड था एंड सेक्शन 2(6) ने क्या बोल रखा था, एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटीएन बेसिस पर निकलता है या पैन बेसिस पर, पैन बेसिस पर निकलता है बेटा। पर्सन के कितने ही जीएसटीएन क्यों ना हो हम जीएसटीएन से एग्रीगेट टर्नओवर नहीं पिकअप करते, हम पैन बेस पिकअप करते हैं, कहने का मतलब ऑल अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी काम कर रहे थे कितने भी जीएसटीएन लेके काम कर रहे थे आपका एक पैन से लिंक टोटल टर्नओवर कितना था, इस एग्जांपल में 40 प्लस 80 था तो कितना हो गया 120 और हम बोलेंगे भाई साहब बधाई हो, बधाई हो, अमेंडमेंट ना हुई होती तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती थी, बिकॉज अमेंडमेंट ना हुई होती तो फिर लिमिट थी 100 लाख की, पर क्योंकि अमेंडमेंट हो गई है 2019-20 से कंपोजिशन स्कीम के लिए 150 लाख का क्रिटेरिया तय हो चुका है, तो आपको बधाई हो आप 150 लाख को एक्सीड नहीं करते हैं, आप कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते हैं। बात समझ आ गई अमेंडमेंट की पहली बात। इस आदमी ने बोला भाई साहब ये जो मेरा टर्नओवर 40-80 का है ये 120 हो गया, उन्होंने बोला कोई टेंशन नहीं आज की डेट में 150 तक का अलाउबल है, और सुनिएगा जरा ध्यान से, और उन्होंने बोला इस 80 और 40 में भी एक बात आपको और बता देते हैं सुनिएगा, अगर इस 40 और 80 जो 120 हुआ इसमें से लेट्स सपोज आपकी इंटरेस्ट की जो कमाई है वो अगर 10 लाख की है इंटरेस्ट की कमाई, तो वो इंटरेस्ट की कमाई को हम नहीं गिनेंगे, तो फिर हम 80 प्लस 40 120 नहीं 10 लाख का इंटरेस्ट और बाहर करेंगे और हम आपको बोलेंगे आपका एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के एंगल से कितना है 110 लाख और अकॉर्डिंगली आप कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो। अच्छा अब इस आदमी ने बोला अच्छा आप कंपोजिशन स्कीम मुझे कैसे मिलेगी, हम बोलेंगे भाई साहब आप अगर कंपोजिशन स्कीम में स्विच ओवर करना चाहते हो तो आपको
पोर्टल पर इंटीमेशन देना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन स्कीम में काम करना चाहते हो। वो इंटीमेशन आप दे दो एंड अकॉर्डिंगली आप कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकते हो। मेरे ख्याल से बैठे हुए बच्चों को यहाँ याद होगा कंपोजिशन स्कीम। आप कभी भी कंपोजिशन स्कीम में काम करना चाहते हो तो आपको बेटा पोर्टल पर एक इंटीमेशन देना होता है, और खड़े पाम इंटीमेशन देने से आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं चले जाते। प्लीज़ बेटा ध्यान में रखिएगा, आप आज इंटीमेशन दोगे तो जिस दिन इंटीमेशन दोगे उस दिन से कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मिलती है। खड़े पाम इंटीमेशन देने से कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, आज आप इंटीमेशन दोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। दैट इज़ द लॉ, आई होप यू रिमेंबर। तो बेटा अगर इस आदमी का कंपोजिशन स्कीम में जाने का मन है तो 19-20 में अगर ये कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा 19-20 से पहले इसे इंटीमेशन देना पड़ेगा तो इसे 19-20 में कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। अगर ये 19-20 में इंटीमेशन देगा तो फिर 20-21 से मिलेगी। चलो खैर, लेट्स सपोज इसने टाइमली इंटीमेशन दे दिया था, 19-20 से पहले ही दे दिया था, तो 19-20 से अब इसे कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। अब एक बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है आदमी, ये कहता है मान लीजिए मैं प्रिमाइस 2 को कंपोजिशन में नहीं ले जाना चाहता, मैं प्रिमाइस 1 को ही ले जाना चाहता हूं। तो आपको याद होगा कंपोजिशन स्कीम ऐसे नहीं मिलती कि आप एक रजिस्टर्ड प्रिमाइस को कंपोजिशन में ले जाओ दूसरे में ना ले करके जाओ। अगर कंपोजिशन में जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, अगर कंपोजिशन में जाएंगे तो दोनों ही जाएंगे, और नहीं जाएगा तो कोई भी नहीं जाएगा। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न। कंपोजिशन स्कीम आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी कि आप बोलो प्रिमाइस 1 कंपोजिशन में काम कर लेता हूँ, प्रिमाइस 2 में कंपोजिशन से बाहर काम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हमने भाई साहब को बता दिया तो इसने बोला जी मैं दोनों के लिए ही कंपोजिशन स्कीम में जाऊँगा, तो बेटा हमने दोनों प्रिमाइस के रिस्पेक्ट में जो है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर लिया। और शायद इंटेलिजेंट बच्चों को ये भी याद होगा आप किसी एक प्रिमाइस के लिए कंपोजिशन ऑप्ट करेंगे तो आपका सब प्रिमाइस के लिए कंपोजिशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो चलो जी, आपको सब प्रिमाइस के लिए कंपोजिशन में शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं दिल्ली वाली प्रिमाइस को आपको हैंडल करना सिखाता हूं। अब बेटा ये जो दिल्ली वाली प्रिमाइस है ये जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, अपने सेपरेट कंप्लायंसेस कर रही है। हरियाणा वाली सेपरेट रजिस्टर्ड है, वो अपने सेपरेट कंप्लायंसेस करेगी। अब दिल्ली वाली प्रिमाइसिस, सुनो बेटा, दिल्ली वाली प्रिमाइसिस से मान लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स का काम करता है, पर हरियाणा वाली प्रिमाइसिस से ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का काम करता है। तो इस भाई साहब ने अपनी एक चिंता और जताई है और ये कह रहा है भाई साहब मैंने तो ये सुना था सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन नहीं मिलती, सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो कंपोजिशन नहीं मिलती, और आपने मुझे ये भी बताया अगर एक को भी कंपोजिशन नहीं मिलेगी तो किसी को भी नहीं मिलेगी, तो मैं तो गया कंपोजिशन से। हमने बोला भाई साहब वो पुरानी बात थी, आज की डेट में आप थोड़ी बहुत सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हो, आज की डेट में आप थोड़ी बहुत सर्विसेज की सप्लाई कर सकते हो। उसने बोला अच्छा मैं थोड़ी बहुत सर्विसेज की सप्लाई कर सकता हूँ, कितनी सर्विसेज की सप्लाई कर सकता हूँ? तो मैंने बोला जी आपको जो परमिसिबल लिमिट है वो कितनी परमिसिबल लिमिट दे दी गई है, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। इसने बोला अच्छा जी मेरा टर्नओवर परमिसिबल लिमिट के लिए आप क्या लोगे, मेरा टर्नओवर परमिसिबल लिमिट के लिए क्या लोगे, मेरी हरियाणा वाली शॉप का टर्नओवर या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर, मेरी हरियाणा वाली शॉप का टर्नओवर या मेरा एग्रीगेट टर्नओवर। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, अटेंशन, आदमी ने कंपोजिशन स्कीम में दोनों दुकानों को रजिस्टर्ड करा लिया, कंपोजिशन स्कीम में दोनों दुकानों को रजिस्टर्ड करा लिया। चलो दोनों दुकानें गुड्स प्लस सर्विसेज, दोनों दुकानें गुड्स प्लस सर्विसेज देने का काम कर रही है, ये लो। अब उसने पूछा जी सर्विसेज का काम कर रहा हूँ, एलिजिबल तो हूँ? हमने बोला आज की डेट में टेंशन मत लो, सर्विसेज दे रहे हो साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन सर्विसेज की एक परमिसिबल लिमिट रहेगी। हम पूछ रहा है कितनी लिमिट, हमने बोला जी 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख। अब आप मुझे सिर्फ इतना ईमानदारी से बता दो ये 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख, 10% और टर्नओवर और 5 लाख, ये आप बेटा दोनों दुकानों के लिए कंबाइंड पढ़ोगे या ये आप सेपरेट पढ़ोगे, दोनों दुकानों के लिए ये आप कंबाइंड पढ़ोगे या फिर आप ये सेपरेट पढ़ोगे। तो ध्यान में रखना ये जो परमिसिबल लिमिट है ये आपको दोनों दुकानों के लिए सेपरेट पढ़नी है,
ये जो आपकी लिमिट है परमिसिबल लिमिट, ये आपको दोनों दुकानों के लिए सेपरेट पढ़नी है। जैसे आपकी ये हरियाणा वाली दुकान है और हरियाणा वाली दुकान पूछ रही है जी मैं अब रजिस्टर्ड हो चुका हूँ एज अ कंपोजिशन सप्लायर और मैं कितना काम कर सकता हूँ, तो हम बोलेंगे भाई साहब आपको सेक्शन 10(1) में जो प्रोविज़ो इंसर्ट हुआ है उसने आपको परमिसिबल लिमिट लिख करके दी है, और परमिसिबल लिमिट लिखते टाइम उन्होंने ये बोला है आप लेंगे 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट। परमिसिबल लिमिट जब ये वाली रजिस्टर्ड शॉप निकालेगी तो एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लेगी भाई, ये इस स्टेट में रजिस्टर्ड है और इस स्टेट में ये क्या टर्नओवर अचीव कर रही है उसके हिसाब से लिमिट निकाली जाएगी। आप खुद ही सोचो ना 10% ऑफ टर्नओवर ये भी एग्रीगेट टर्नओवर पकड़ ले और ये भी इधर एग्रीगेट टर्नओवर पकड़ ले, गलत होगा। तो आप एक बार ध्यान से देखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजो जहां परमिसिबल लिमिट थी, अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स, जिसने भी क्लोज ए में एज अ मैन्युफैक्चरर, क्लोज बी में एज अ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर, क्लोज सी में एज अ ट्रेडर, जिस किसी ने भी इन पॉइंट्स में कंपोजिशन ऑप्ट किया, दे एट प्रेजेंट में सप्लाई सर्विस, सर्विस ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द फाइनेंशियल, ध्यान दीजिएगा टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और ₹5 लाख विच एवर इज हायर। तो आपकी हरियाणा वाली शॉप कंपोजिशन में गई, वो पूछ रही है अब मैं कितनी सर्विसेज दे सकता हूँ, तो सिंपल सा हरियाणा वाली शॉप तुम्हारा हरियाणा में पिछले साल का क्या टर्नओवर था 80 लाख, तो 80 लाख का 8 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, और अगर उस 80 लाख में इंटरेस्ट इनकम भी थी तो इंटरेस्ट इनकम हटाओ, मान लो फिर 75 लाख था, तो 75 लाख का 10% 7.5 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। एंड द सेम थिंग यू नीड टू रिपीट फॉर यूअर दिल्ली शॉप, कि दिल्ली शॉप तुम्हारा प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इनकम क्या था, उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। आई बिलीव द पोजिशन इज क्लियर टू एवरीबडी, लेट्स प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे। एग्जाम्पल अब आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बेसिस पर ड्राफ्टेड किए गए हैं, देखिएगा जी। स्टेशन नंबर 1, एक्स जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है बेटा, जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है, और मान लीजिए ये नॉर्मल सप्लायर है। अच्छा, एग्जाम में अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन गिव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो बोले जीएसटी रजिस्टर्ड है, आप क्या मानोगे कंपोजिशन में है या नॉर्मल है, नॉर्मल है। अच्छा, अब डाटा डिटेल्स में ये दिया जा रहा है प्रीवियस ईयर में इसने ट्रेडिंग इन गुड्स करी 12% जीएसटी वाले गुड्स की, 80 लाख का टर्नओवर, और रेस्टोरेंट सर्विसेज भी ये देता था, जीएसटी 5% है उसके ऊपर, और टर्नओवर उसने अचीव किया है 12 लाख। करंट ईयर में 19-20 में लेट्स सपोज डाटा जो दिया जा रहा है वो ये है कि अब जब ये ट्रेडिंग करेगा तो 80 लाख का टर्नओवर सेम जैसा पहले था अचीव करेगा, हाँ रेस्टोरेंट सर्विस में इसकी बढ़ोतरी होगी, ये 15 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर अचीव करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप इस सेंस में लीजिएगा, ये पर्सन आपके पास आया है और ये पर्सन आपके पास आकर के ये कह रहा है जी भाई साहब मैं पिछले साल में ये काम करता था और ये मैं एज अ नॉर्मल सप्लायर करता था मान लीजिए, लेकिन मैं 19-20 में कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में काम करना चाहता हूँ, आप क्या मुझे कंपोजिशन स्कीम में मैं काम कर सकता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो बेटा बड़ा सिंपल सा पैटर्न ध्यान में रख लेना, आज की डेट में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये देख लेना, सबसे पहले तो ये देखना इसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का क्या था, क्योंकि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर आप क्या काम करते थे हमें मतलब ही नहीं है, आप बड़े आदमी हो आपको स्कीम नहीं है,
तो सबसे पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर देखना, और एग्रीगेट टर्नओवर अगर परमिसिबल लिमिट में हो तो फिर चेक करना आपके काम में किस तरीके का काम इन्वॉल्व्ड है। आप जो काम कर रहे हैं अगर वो प्योर गुड्स का है तो नो इशू, अगर उसमें सर्विसेज भी हैं तो आपको परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विसेज का ध्यान में रखते हुए एडवाइस देना है। तो जरा आप बात करता हूँ बेटा, इसने पिछले साल जो काम किया वो टोटल काम कितना था? तो बड़ा सिंपल है बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स की ट्रेडिंग सर्विसेज की ट्रेडिंग 80 और 12, 92 लाख का पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर है। क्या इसको कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगी? आंसर इज यस, टर्नओवर के एंगल से ही इज एलिजिबल। एंड प्लीज आंसर में लिख देना ही इज एलिजिबल, बिकॉज 150 लाख की लिमिट तक के लोग एलिजिबल होते हैं, नो डाउट। कुछ लोगों के लिए 75 लाख भी है, पर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले हैं, और हमें क्वेश्चन में ये बताया नहीं हुआ मिस्टर एक्स कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये नहीं बताया हुआ। तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए हम 150 लाख की लिमिट पड़ेंगे, और 150 लाख तक के अगर एलिजिबल होते हैं इस बेचारे का, तो 92 लाख का ही काम है, तो ये एलिजिबल है। पॉइंट नंबर वन इज ओवर। अब ये कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करने का मन बना रहा है, लेकिन इसके मन में एक दुविधा है। ये कह रहा है भाई साहब मैं सर्विसेज का काम करता हूँ। हमने बोला जी सर्विसेज का काम करते हो तो क्या दिक्कत है? उसने बोला भाई साहब सर्विसेज वाले इनएलिजिबल। हमने बोला सुनो भाई साहब तुम रेस्टोरेंट सर्विस का काम करते हो, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारे लिए कोई टेंशन ही नहीं है, तुम तो हमेशा से एलिजिबल हो, तुम्हें अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम ट्रेडिंग का काम करते हो उस एंगल से भी एलिजिबल हो, तुम रेस्टोरेंट का काम करते हो उस एंगल से भी एलिजिबल हो। उसने बोला जी मैं कितनी रेस्टोरेंट सर्विसेज दे सकता हूँ? हमने बोला भाई साहब रेस्टोरेंट सर्विसेज, तुम्हें रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए वो 10% और 5 लाख वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10% और 5 लाख वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। 10% और 5 लाख किसके लिए निकालते हैं? रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए या अदर सर्विसेज के लिए? अदर सर्विसेज के लिए, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। रेस्टोरेंट वाले हमेशा एलिजिबल थे, पहले भी थे, आज भी एलिजिबल हैं। हमने क्या कहा, एनी अदर सर्विसेज अगर देते हो तो उसके लिए इतनी परमिसिबल लिमिट है। तो इस आदमी को तो हम सिंपल क्या कह देंगे, भाई साहब तेरा टर्नओवर 92 लाख तू एलिजिबल है, और रेस्टोरेंट सर्विसेज तू देता है तो तुझे कोई टेंशन ही नहीं है, तू आराम से कंपोजिशन स्कीम में आकर के काम कर सकता है। और बेटा ये आदमी अगर कंपोजिशन स्कीम ले लेता है 19-20 में, तो अब ये क्या करेगा, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो 80 लाख का काम करेगा उस पर भी कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देगा 1% वाला, और रेस्टोरेंट वाला जो काम करेगा उस पर भी कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देगा 5% वाला। पॉइंट क्लियर है? आंसर हमेशा अपना जब प्रेजेंट करके आना तो डिटेल में करके आना। स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है जो कि गुड्स एज वेल एज सर्विसेज दोनों का काम करता है। एलिजिबिलिटी टर्नओवर के एंगल से सबसे पहले लिखना, 92 लाख इसका है पिछले साल का, क्योंकि 150 लाख तक का है तो वो एलिजिबल है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाईज में लिखना, ही बीइंग सप्लायर ऑफ सर्विस रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस ही शैल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, ही शैल रिमेन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। क्लियर है बेटा? अच्छा, आप में से किसी को ये बात याद है, अगर एक आदमी कभी कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है तो कंपोजिशन स्कीम, मान लीजिए 2019-20 में एक आदमी कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है, तो कंपोजिशन स्कीम में आप कब तक काम कर सकते हो? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कंपोजिशन स्कीम की मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, 150 लाख या 75 लाख एज द केस मे बी। अगर आपका कभी भी टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख से क्रॉस कर जाता है तो आप इमिडिएटली कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाते हो। कंपोजिशन स्कीम देखो, आपका पिछले साल का टर्नओवर ये डिसाइड करता है आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो या नहीं। आपने ले ली, अब कंपोजिशन स्कीम लेने के बाद आप कब तक कंपोजिशन स्कीम में ही बने रहोगे? तो ध्यान में रख लीजिएगा, जिस भी मोमेंट आपका टर्नओवर 150 या 75 लाख से बाहर हो जाएगा आप कंपोजिशन से बाहर हो जाओगे। इस आदमी का पिछले साल का टर्नओवर कितना था, 92 लाख। क्या ये कंपोजिशन में आ सकता था? यस, ये आ गया।
इसने करंट ईयर में कितना काम किया, 95 लैक्स, तो पूरा साल ये आराम से कंपोजिशन में गुजार सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसका पिछला साल ट्रेडिंग का काम किया और रेंटल इनकम है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग का काम किया और रेंटल इनकम है, और करंट ईयर में भी ये ट्रेडिंग का काम और रेंटल इनकम करेगा। तो अब ये पूछ रहा है पिछले साल की डिटेल दे करके क्या मैं कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ। तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे पिछले साल में इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, तो 70.5 का एग्रीगेट टर्नओवर था। क्या ये कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? हाँ। अब ये कह रहा है कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ, मैं तो रेंटिंग की सर्विस भी देता हूँ। हमने बोला भाई साहब हमें पता है रेंटिंग की सर्विस देते हो, आज की डेट में दे सकते हो। उसने बोला कितना भी रेंट आए, हमने बोला नहीं, लिमिट चेक करनी पड़ेगी। अगर उस लिमिट के अंदर तुम्हारा रेंट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस लिमिट से एक्सीड हो जाएगा तो फिर तुम डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। अगर लिमिट के अंदर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, स्कीम में मजे से रह पाओगे, एक्सीड आ रहा है तो फिर डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। लिमिट कैसे चेक करेंगे? लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितना टर्नओवर है, 74,50,000, तो उसका 10% हो गया 7,45,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो कितना हो गया 7,45,000 तक का रेंट अगर आपको आ रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ इस आदमी को कितना रेंट आ रहा है, 6 लाख। तो जिस साल में ये कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, इसमें जो ये सर्विस देगा रेंट की, वो 6 लाख तक की देगा। तो क्या ये कंपोजिशन स्कीम में आराम से रह पाएगा? आंसर इज यस। प्रेजेंटेशन देख लो, मिस्टर एक्स जीएसटी रजिस्टर्ड है, गुड्स और सर्विसेज दोनों को देता है। एलिजिबिलिटी, टर्नओवर के एंगल से बात करेंगे, 74,50,000 कोई इशू नहीं है। सप्लाईज में सर्विसेज भी है, उस एंगल से अगर बात करेंगे तो पहले निकालते हैं कितनी सर्विसेज देना अलाउड है। 74,50,000 का 10% मतलब 7,45,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, फाइनल आंसर 7,45,000 तक की दे सकता है। तो अगर 19-20 में ये 6 लाख तक की रेंटल सर्विस दे रहा है, नो इशू, ये आराम से कंपोजिशन स्कीम में काम कर सकता है। नेक्स्ट वन, थर्ड। हाँ जी, सप्लाई पिछले साल की ट्रेडिंग 80 लाख और रेंटल इनकम 12 लाख। 19-20 में ये कंपोजिशन में काम करना चाहता है जहां इसे पता है आईडियाज को 80 लाख की ट्रेडिंग होगी, 15 लाख की रेंटल इनकम होगी। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 92 लाख, कोई इशू नहीं है भाई साहब, टर्नओवर के एंगल से कोई इशू नहीं है, आप आराम से कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। आप कह रहे हो लेकिन रेंटल इनकम है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसेज दे सकते हो। उसने पूछा कितनी, तो बेटा 92 लाख का 10%, 92 लाख का 10%, 9,20,000 और 5 लाख, तो कितनी लिमिट तक की सर्विस अलाउड है, 9,20,000। अब ये 19-20 में, लेकिन जो रेंट इसके पास आएगा वो क्या आएगा, 15 लाख। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, 9,20,000 तक का रेंट जब तक इसके पास आएगा ये कंपोजिशन में काम कर सकता है। जिस दिन 9,20,000 से ऊपर का रेंट आएगा ये उस दिन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैंने लिखा जी एलिजिबिलिटी, टर्नओवर के एंगल से कोई इशू नहीं है, 92 लाख है एलिजिबल, सर्विसेज की सप्लाई इन्वॉल्व है तो उसके एंगल से परमिसिबल लिमिट 10%, 9,20,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर, फाइनल आंसर इज 9,20,000। मेरा आंसर कहता है सिंस द वैल्यू ऑफ रेंटल सर्विस सप्लाइड 19-20 में 15 लाख एक्सपेक्टेड है इसकी, वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है, तो सप्लायर एलिजिबल तो है कंपोजिशन स्कीम के लिए, पर वो सप्लायर जो होगा वो सप्लायर विल बिकम इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एज एंड व्हेन ही सप्लाई सर्विस ऑफ वैल्यू मोर देन 9,20,000। लाइन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा,
since a supplier of rental service supplied value rental service की कितनी है 15 लाख और वो permissible limit से ज़्यादा है, तो जिस भी दिन 9,20,000 से ज़्यादा की सप्लाई ऑफ रेंटल सर्विस होगी वो उस दिन कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको साथ में ये भी बता देना चाहता हूँ, ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जिस दिन 9-20 से ज़्यादा की उसे सर्विसेज की सप्लाई मिल रही हो वो उस दिन अपने आप कंपोजिशन स्कीम के बेनिफिट लेना छोड़ दे। अपना चैप्टर कंपोजिशन स्कीम का अगर आप रिवाइज करके बैठे हैं तो आपको याद होगा, आप अगर इनएलिजिबल हो जाते हैं तो आपको खुद से पोर्टल पर एक इंटीमेशन देना होता है कि अब आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑफिसर को उधर थोड़ी ना पता होगा कि आपका कितना टर्नओवर अचीव हो गया है इस पर्टिकुलर डे। तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप पोर्टल पर विड्रॉवल इंटीमेशन जो है वो दे देते हैं। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इन द सीरीज इज फोर्थ वन, आप जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, प्रीवियस ईयर की डिटेल्स ये है, ट्रेडिंग 140, इंटरेस्ट इनकम 12 लाख। अब बेटा ये डिटेल्स आपकी क्या शो करती है बेसिकली, कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का काम करता था और बिजनेस में जो पैसा आता था वो पैसा बैंक में रख देता था या किसी को यूज़ के लिए दे देता था, तो उस पर कुछ ब्याज कमा लेता था। तो बेटा अब इसका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, 140 + 12 = 152। आंसर इज नो। कंपोजिशन स्कीम के लिए जब आप एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का निकालते हैं तो क्या आप उसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं? आंसर इज अ बिग नो। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर ने बोल रखा है कंपोजिशन स्कीम के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा उसमें इंटरेस्ट वाली इनकम नहीं ली जाएगी, वो एग्जम सर्विस बाहर रहेगी। तो एग्रीगेट टर्नओवर आपको क्या काउंट करना है बेटा, 140 लाख। और क्योंकि ये 140 लाख है तो ये 150 लाख की एलिजिबिलिटी लिमिट के अंदर है और ये आदमी टर्नओवर के एंगल से एलिजिबल है। पॉइंट क्लियर हो गया? यस, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर का जब निकालेंगे तो 140 लाख निकलेगा, एग्रीगेट टर्नओवर के एंगल से एलिजिबल है। और आंसर में मेंशन कर देंगे, एटीओ डिटरमाइंड एज पर 26 रेड विद रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर, जिसने ये बोल रखा है एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट डिस्काउंट नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये आदमी कहता है जी अब चलो मैं एलिजिबल हो गया हूँ, अब मैं जब काम करूँगा तो मैं कितनी वैल्यू ऑफ सर्विसेज दे सकता हूँ? तो हमने बोला भाई साहब परमिसिबल लिमिट तुम्हारी कितनी है, तुम्हारा टर्नओवर जो था उसका 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर। हमने क्या बोला, तुम्हारी परमिसिबल लिमिट कितनी है, 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ 140 लाख मतलब 14 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो फाइनली परमिसिबल लिमिट कितनी हो गई बेटा इसकी, 14 लाख। अब भाई साहब इसने 19-20 में लेकिन इंटरेस्ट क्या कमाना है 25 लाख का, तो ये आदमी ये कह रहा है मतलब मैं जिस दिन 14 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाऊंगा मैं कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो जाऊंगा। और हम इसे बोलेंगे नहीं भाई साहब, ये जो 14 लाख की परमिसिबल लिमिट ऑफ सर्विस है ना, इसमें ब्याज नहीं देखते। ब्याज तो आप कितना भी कमाओ, इंटरेस्ट आप कितना भी कमाओ, वो इस परमिसिबल लिमिट में काउंट नहीं होता। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इस बात के लिए भी इशूड है, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर इस बात के लिए भी इशूड है कि परमिसिबल लिमिट जो निकाली जाती है वो अदर सर्विसेज के लिए निकाली जाती है, इंटरेस्ट उस परमिसिबल लिमिट में कंसीडर नहीं करते। तो आप 25 लाख का ब्याज भी कमा रहे हो वो इस लिमिट में नहीं, ब्याज आप 25 लाख का कमाओ 50 लाख का कमाओ कितना भी कमाओ वो इस परमिसिबल लिमिट में कंसीडर नहीं होगा। आप इस ब्याज के अलावा कोई और सर्विस दे रहे होते, लेट्स सपोज रिपेयर सर्विस, तो ब्याज तो अलग से कितना भी कमाओ कोई इशू नहीं है, रिपेयर सर्विस लेट्स सपोज अगर दे रहे हो तो रिपेयर सर्विस 14 लाख से ज़्यादा की नहीं दे सकते, 14 लाख से ज़्यादा की दोगे तो इनएलिजिबल हो जाओगे। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी। चलिए
Let's move to the next page. Next amendment and the last amendment in the series, composition schemes are related. Last amendment, rates under composition scheme. इस पर भी बेटा ध्यान देना, rates under composition scheme. बेटा जो आदमी composition scheme में नहीं होते वो section 9 में tax देते हैं. And section 9 ये कहता है कि किस rate से tax देना है, council notify करेगी. और council ने कर रखा है, काउंसिल से पताया हुआ है 5, 12, 18 एंड 28. जो लोग कंपोजिशन स्कीम में होते हैं सेक्शन 10 के हिसाब से चलते हैं, उनको किस रेट से टैक्स देना होता है, तो उसके लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने ये लिख रखा है कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल टैक्स रेट जो होगी वो गवर्नमेंट रूल्स में प्रेस्क्राइब करेगी. और वो रूल्स में प्रेस्क्राइब इसलिए कराई गई है कि गवर्नमेंट को अगर टाइम टू टाइम चेंज करना हो रेट को तो वो आसानी से कर पाए. अच्छा, अब वो जो रूल है जिसमें रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो है बेटा रूल नंबर 7. वो है अपने पास रूल नंबर 7. रूल 7 में जो रेट जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है. अब रूल नंबर 7 में जो रेट है प्रेस्क्राइब्ड उसमें अमेंडमेंट हुई है. रूल 7 में जो है वो अमेंडमेंट हुई है. और रूल 7 में अमेंडमेंट होने का बेसिक रीज़न क्या है वो आप समझना बेटा. पहले अगर आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स होते थे तो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाते थे और आपको 1% टैक्स देना होता था. आप अगर रेस्टोरेंट की सर्विसेज देते थे तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते थे, 5% के हिसाब से टैक्स देना होता था. अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स होते थे आप कंपोजिशन में जा सकते थे और आपको 1% के हिसाब से टैक्स देना होता था. अब बेटा आज की डेट में हमने ये पढ़ा एज अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चर होने के साथ साथ अगर कोई सर्विसेज की भी सप्लाई करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन आएगा, मैं चला तो गया लेकिन अगर मैं चला गया तो मुझे उस सर्विसेज की सप्लाई पर कंपोजिशन का क्या टैक्स भरना पड़ेगा. तो डेफिनेटली सर्विसेज की सप्लाई देना अलाउ किया गया है तो उस सर्विसेज की सप्लाई पर कंपोजिशन रेट क्या एप्लीकेबल होगा वो भी बताना पड़ेगा. इस वजह से रूल नंबर 7 में अमेंडमेंट की गई है. माइंड माय वर्डिंग्स, पहले आप सर्विसेज की सप्लाई दे ही नहीं सकते थे, इनएलिजिबल हो जाते थे. आज की डेट में आप सर्विसेज की सप्लाई दे सकते हो, एलिजिबल रहोगे. अब सर्विसेज की सप्लाई देने पर एलिजिबल रहोगे, ठीक है, उस सर्विसेज पर कंपोजिशन का टैक्स क्या भरोगे. तो कंपोजिशन का टैक्स भरने के लिए भी रूल नंबर 7 की अमेंडमेंट की जरूरत थी. तो देखिएगा मेरा लीगल टैक्स सेक्शन 10, वो तो सिंपली ये बोलता था कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करोगे तो आपका कंपोजिशन में जो टैक्स होगा वो होगा एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड. और प्रेस्क्राइब कहाँ होता था, रूल नंबर 7 में. अब रूल नंबर 7 हमारा जो है बेटा, इसमें हमारे ये 3 पॉइंट होते थे, थोड़ा सा अटेंशन लेना. 7 का फर्स्ट पॉइंट ये कहता था अगर कंपोजिशन में जो पर्सन गया है वो है मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर अगर वो सप्लायर ऑफ गुड्स है और कौन मैन्युफैक्चरर, और अदर देन सप्लायर ऑफ सर्टेन नोटिफाइड गुड्स. और ये नोटिफाइड गुड्स बेटा और कोई नहीं है, ये वही है टिप जो मैंने आपको बताया, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती. उसको छोड़ करके अदर मैन्युफैक्चरर जो भी कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे उनके लिए प्रेस्क्राइब रेट क्या थी बेटा, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी. वो जिस स्टेट में है उसमें जितना टर्नओवर करेंगे उसका 0.5%. और ध्यान में रखिएगा ये सीजीएसटी की रेट थी, टोटल रेट अगर मैं कर लूँ तो ये 1% हो जाती है क्योंकि इक्विवेलेंट एसजीएसटी भी आ जाएगा. फिर उसके बाद 7 सब रूल 2 ने रेट बताई हुई थी, सप्लायर मेकिंग सप्लाई रेफर टू इन शेड्यूल 2 पैरा 6B. शेड्यूल 2 पैरा 6B का मतलब रेस्टोरेंट एज वेल एज आउटडोर कैटरर, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग की सर्विसेज देने वाले. तो ये जो सर्विसेज के सप्लायर थे अगर ये कंपोजिशन स्कीम में जाते थे तो इनके लिए जो रेट थी वो बताई गई थी 2.5% ऑफ द टर्नओवर.
एंड 2.5% सीजीएसटी की रेट थी, तो टोटल रेट क्या हो जाती थी 5% जो मैं आपको बोलता हूं। अब बेटा फिर लिखा होता था एनी अदर सप्लायर। अच्छा, और प्लीज ध्यान में रखिएगा, एनी अदर सप्लायर वर्ड लिखा होता था। मैन्युफैक्चरर सारे पॉइंट नंबर वन में आ गए, सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को मिलता था वो ऊपर आ गए। थर्ड में बाय इंप्लीकेशन कौन आते थे? ट्रेडर आते थे पॉइंट नंबर थर्ड में, और उनके ऊपर जो स्पेसिफाइड रेट होती थी 0.5% जो इफेक्टिवली वन हो जाती थी वो उन्हें पे करना होता था। अब आज की डेट में प्लीज ध्यान में रखिएगा, आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पर्सन मैन्युफैक्चरर होने के साथ साथ या ट्रेडर होने के साथ साथ सर्विसेज का भी सप्लायर है, ट्रेडर होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बेचता है और वो साथ में रिपेयर की सर्विस भी देता है, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये वाला आदमी अगर ट्रेडर है एंड साथ में रिपेयर की सर्विस देने वाला है तो बेटा ये पहले पॉइंट को नहीं पढ़ रहा है, ये दूसरे पॉइंट को भी नहीं पढ़ रहा है, ये तीसरे पॉइंट में एज एनी अदर सप्लायर रहेगा एंड एज एनी अदर सप्लायर। अब जब ये टैक्स देगा तो बेटा अब इसके काम में गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, ये किस हिसाब से टैक्स देगा? 0.5% किसका? ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एंड सर्विसेज वर्ड बेटा ये नया ऐड किया गया है, क्यों किया गया है बेटा? पहले पुरानी कंपोजिशन स्कीम में अगर आप गुड्स बेचते थे और रिपेयर सर्विस भी देते थे आप एलिजिबल ही नहीं थे तो आप कंपोजिशन रेट पॉइंट नंबर थर्ड में जाते ही नहीं थे, आप सिर्फ गुड्स बेचते थे एलिजिबल थे पॉइंट नंबर थर्ड पढ़ते थे एंड गुड्स के टर्नओवर के हिसाब से रेट दे देते थे। आज की डेट में आप सर्विसेज दे रहे हैं तो भी एलिजिबल हो सकते हैं, और एलिजिबल हो सकते हैं तो उन्होंने साथ में लिख दिया भाई साहब अब आप अगर सर्विसेज दे रहे हैं और एलिजिबल हैं तो गुड्स एज वेल एज सर्विसेज का जो टर्नओवर है उसके हिसाब से आपको जो होगा वो जीएसटी पे करना है। रेट आपकी वही 0.5% सीजीएसटी है तो कंबाइंड रेट क्या हो गई? 1%। ये एंड सर्विसेज वर्ड जो है बेटा वो यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एम आई क्लियर? अच्छा, रूल 7 में एक प्रैक्टिकल इशू जो अराइज होगा उसकी थोड़ी क्लैरिटी ले लीजिएगा। नीचे स्पेस है, मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट करके रखा है बेटा। मान लीजिए मिस्टर राम, थोड़ा अटेंशन चाहिए होगी बेटा इस पॉइंट पर। मिस्टर राम कंपोजिशन स्कीम में चले जाते हैं, ठीक है जी। अब मिस्टर राम का काम क्या था, पहले काम समझ लो बेटा। ये ना मैन्युफैक्चर थे और चार प्रोडक्ट्स बेटा, जिसमें से प्रोडक्ट ए, इस पर 12% की जीएसटी की रेट थी, बी इस पर निल रेट थी, जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिस पर निल रेट होती है, एंड सी 5% था, एंड डी इस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट था। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो अब एज अ मैन्युफैक्चरर वो चार प्रोडक्ट्स बना रहे थे जिसमें से ए 12%, बी निल, सी 5% एंड डी एग्जेम्प्ट। एंड इनको बेटा हम थोड़ा सा लैंग्वेज में अगर परिवर्तन करके लिखना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, इनके द्वारा बनाया गया ए प्रोडक्ट ऐसा था जो कि टैक्सेबल था। जिस प्रोडक्ट के ऊपर बेटा टैक्स देना होता है उसको जीएसटी की लैंग्वेज में बुलाते हैं टैक्सेबल गुड्स। एंड बी बेटा इनका जो प्रोडक्ट है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स है। सी 5% इस पर टैक्स देना है तो ये टैक्सेबल गुड्स है, एंड डी
एग्जेम्प्ट है, इस पर टैक्स नहीं देना है, तो इसका मतलब ये नॉन टैक्सेबल गुड्स है। ये वर्ड्स प्लीज अगर किसी को ना पता हो तो प्लीज इसे क्लियर रखिएगा। आप जिन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं अगर उन प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स है तो आप उसे बोलते हैं टैक्सेबल गुड्स, अगर उन गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं है तो आप उन्हें बोलते हैं नॉन टैक्सेबल गुड्स। और प्लीज ध्यान में रखिएगा मैं सप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुड्स का करेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। टैक्स भरना है उस पर तो टैक्सेबल गुड्स है, नहीं भरना है तो वो क्या है नॉन टैक्सेबल गुड्स। अच्छा नाउ अब अगर ये मिस्टर राम जो मैन्युफैक्चरर है इन चार गुड्स का, बेटा अगर वो कंपोजिशन स्कीम में ना जाए, कंपोजिशन स्कीम में ना जाए, वो सेक्शन 9(1) के हिसाब से ही जीएसटी पे करने का डिसाइड करे, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा अगर वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में नहीं सोचता है, वो नॉर्मल चलता है, तो बेटा ए टैक्सेबल गुड्स है उस पर 12% भरेगा, बी उस पर निल भरेगा, सी टैक्सेबल गुड्स है 5% उस पर 5% भरेगा, डी एग्जेम्प्ट है उस पर 0 टैक्स देगा। अच्छा लेकिन अब अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, पॉइंट टू बी नोटेड, इसका मन कंपोजिशन स्कीम की तरफ है और ये कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है, लेट्स सपोज ये एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी करता है, ये कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है, तो अगर ये कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा कंपोजिशन स्कीम में जो आता है वो टर्नओवर बेसिस पर टैक्स भरता है, वो प्रोडक्ट वाइज नहीं भरता, वो कंबाइंड टर्नओवर पर टैक्स भरता है। कंपोजिशन स्कीम जो है वो बेटा आपको प्रोडक्ट वाइज भरवाती नहीं है, वो क्या कहती है आपका क्वार्टर खत्म हो जाए आप कंबाइंड टैक्स भरना। तो आप अगर आप कंपोजिशन में आ जाएंगे तो फिर आप कंबाइंड टैक्स भरेंगे टर्नओवर वाइज। और अब यहां पर एक इशू आएगा, जब आप टर्नओवर वाइज टैक्स भरेंगे तो टर्नओवर वाइज टैक्स भरते टाइम आप प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सी जो टैक्सेबल गुड्स थे, क्या आप सिर्फ उनका टर्नओवर लेकर के टैक्स भरेंगे या आप चारों प्रोडक्ट का टर्नओवर लेकर के उस पर टैक्स भरेंगे। मीनिंग देयर बाय कि जो टर्नओवर पर आपको टैक्स भरना है, इस टर्नओवर में जो आपके टैक्सेबल गुड्स थे सिर्फ उसका टर्नओवर लेना है या टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज नॉन टैक्सेबल गुड्स सबका टर्नओवर लेकर के टैक्स भरना है। और ध्यान में रखिएगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो होगा वो हमेशा ये कहेगा कि भाई साहब जिन पर मुझे नॉर्मली जीएसटी नहीं भरना था उस पर मैं कंपोजिशन में जाऊं तो भी ना दूं, ऑन दी अदर हैंड जिस पर मुझे भरना था मैं सिर्फ उनके टर्नओवर पर भरूं। अच्छा अब प्लीज ध्यान में रखिएगा ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये ऑप्शनल है, आप अगर इस स्कीम में आए हो तो अपनी मर्जी से आई हो, और प्लीज ध्यान में रखना अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट करोगे तो आपको रूल 7 जो प्रेस्क्राइब करेगा आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा, रूल 7 जो बोलेगा आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा। और रूल 7 ने मैन्युफैक्चरर सप्लायर को पॉइंट नंबर 1 में ये बोल रखा है मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ गुड्स जो होंगे वो 0.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट जो भी है, और प्लीज ध्यान में रखिएगा ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट जो भी है का मतलब क्या है, भले ही आपका टर्नओवर टैक्सेबल गुड्स का हो या नॉन टैक्सेबल गुड्स का, आपके गुड्स एग्जेम गुड्स हो या नॉन एग्जेम गुड्स हो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आए तो अपने टोटल टर्नओवर का 1% जो होगा वो आप कंपोजिशन टैक्स पे करेंगे। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर? इस वर्ड के ऊपर मेरा इतना इंफेसिस क्यों है बेटा वो आप समझिएगा। अगर मैं इलस्ट्रेशन चेंज कर दूं और मैं आपसे ये कहूं कि ये आदमी जो है वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये आदमी है ट्रेडर, ये आदमी है ट्रेडर, ये इनमें से कोई भी गुड्स बनाने वाला नहीं है, ये खरीद के लाता है और फिर बेचता है, अब ये चार गुड्स बेच रहा है, अब बेटा एज अ ट्रेडर प्लीज ध्यान में रखिएगा एज अ ट्रेडर वो जब रूल 7 को पढ़ेगा तो वो पॉइंट नंबर 1 नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा पॉइंट नंबर 3, एज अ ट्रेडर वो पढ़ेगा पॉइंट नंबर 3, और एज अ ट्रेडर जब वो पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेगा तो बेटा उसके लिए जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो क्या है 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ
टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, यहां टर्नओवर इन द स्टेट नहीं लिखा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और बेटा अब यहां जो वर्ड है ना, ये टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द स्टेट, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन इशूड है। उन्होंने बोला है कि हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 में लैंग्वेज जो अलग अलग यूज़ करी है वो डेलिब्रेटली यूज़ करी है, और हम ये चाहते हैं कि एज अ मैन्युफैक्चरर अगर कोई आदमी पे करे तो वो टोटल टर्नओवर पर पे करे, टैक्सेबल गुड्स हो या नॉन टैक्सेबल गुड्स हो, लेकिन अगर ट्रेडर पे करे तो ट्रेडर टोटल टर्नओवर पर पे ना करे, ट्रेडर अपने टोटल टर्नओवर में से सिर्फ जो टैक्सेबल गुड्स का टर्नओवर है उसके ऊपर वो पे करे, ट्रेडर अपने टोटल टर्नओवर में से सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर जो है उसके ऊपर पे करे। तो अगर यही एग्जांपल ट्रेडर हैंडल करेगा तो ट्रेडर सिर्फ ए एंड सी का जो टर्नओवर है उसके ऊपर 1% का जीएसटी कंपोजिशन टैक्स के तौर पर पे करेगा। इस पर एग्जाम में पहले भी कई दफा क्वेश्चन आ चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैन्युफैक्चरर वो पॉइंट वन में पे करेगा, टर्नओवर इन द स्टेट उठा के पे करेगा, ट्रेडर वो पॉइंट नंबर 3 में पे करेगा, और 3 में वो टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, जिसका इफेक्टिवली मतलब सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की जो सप्लाई हुई है उनका टर्नओवर जो होगा वो लिया जाएगा। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब यहां जो वर्ड यूज है टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, ठीक है, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स, टर्नओवर फर्क है लैंग्वेज का, प्लीज ध्यान में रखना। अच्छा नाउ एक और सिचुएशन, मान लीजिए ये पर्सन जो है ये क्या करता है, ए एंड बी को बना करके बेचता है, मैन्युफैक्चरर है, एंड सी एंड डी को वो खरीद करके बेचता है, ट्रेडर है, ऐसा भी हो सकता है। सो नाउ द सेम पर्सन इज मैन्युफैक्चरर सप्लायर फॉर गुड्स ए एंड बी एंड ही इज ट्रेडर सप्लायर ऑफ सी एंड डी, अब वो जीएसटी कैसे देगा? सो द मोस्ट रीजनेबल आंसर इज बेटा जिनको वो बना करके सप्लाई कर रहा है उनके लिए वो पॉइंट नंबर 1 पड़ेगा, एंड जिनको वो खरीद करके बेच रहा है, ट्रेडिंग के तौर पर कर रहा है, उनके लिए पॉइंट नंबर 3 पड़ेगा। इट्स द ओनली रीजनेबल इंटरप्रिटेशन यू कैन टेक। एज अ मैन्युफैक्चरर जो काम करोगे उसके लिए पॉइंट नंबर 1 पड़ना, एज अ ट्रेडर जब काम करोगे तो उसके लिए पॉइंट नंबर 3 पड़ना। अच्छा अब एज अ मैन्युफैक्चरर जब काम करोगे और पॉइंट नंबर 1 पढ़ोगे तो आप क्या लोगे, 0.5%, आप इसको टोटल में 1% ले लो, ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। अब एज अ मैन्युफैक्चरर आप सिर्फ ए और बी के मैन्युफैक्चरर हो, तो अब आप एज अ मैन्युफैक्चरर ये जो नॉन टैक्सेबल गुड्स है इसको भी लेकर के चलोगे। और प्लीज ध्यान में रखना एज अ मैन्युफैक्चरर आपने स्टेट में कितना टर्नओवर किया, एज अ मैन्युफैक्चरर आपने स्टेट में कितना टर्नओवर किया, अपना टोटल टर्नओवर नहीं, एज अ मैन्युफैक्चरर आपने कितना टर्नओवर इन द स्टेट किया, आप उस टर्नओवर पर 1% दे देंगे। एज अ ट्रेडर आपने उस स्टेट में कितना टैक्सेबल टर्नओवर किया, आप उसके ऊपर 0.5% दे देंगे। I would like to repeat, if a person is both manufacturer as well as trader, if a person is both manufacturer as well as trader, तो manufacturer के तौर पर as a manufacturer आपने turnover in the state कितना किया, जिसमें A और B दोनों आएंगे, उस पर 1% दे देना। As a trader आपने state में turnover of taxable goods कितने किए, C, उसका 1% दे देना। Am I clear? अच्छा और सुनो,
मान लो आप ए और बी बना के बेचते हो और सी जो है थोड़ी देर के लिए मान लो ये गुड्स नहीं है, ये रेस्टोरेंट सर्विस का काम है आपका, एंड डी मान लो डी गुड्स है जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो। तो ए टैक्सेबल गुड्स, बी नॉन टैक्सेबल गुड्स, सी रेस्टोरेंट टैक्सेबल सर्विस, एंड डी ट्रेडिंग नॉन टैक्सेबल गुड्स। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई साहब ये आदमी अपनी कंपोजिशन टैक्स की लायबिलिटी किस हिसाब से दे, तो आप बड़ा सिंपल सा आंसर करना, इसने एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ मैन्युफैक्चरर टर्नओवर इन द स्टेट कितना किया, ए प्लस बी, उस पर 1% दे देगा। इसने एज अ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लायर टर्नओवर इन द स्टेट कितना किया, उसके ऊपर 5% दे देगा। एंड इसने एज अ ट्रेडर टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना किया, जीरो। तो एज अ ट्रेडर उसे कोई कंपोजिशन टैक्स नहीं देना। एज अ मैन्युफैक्चरर ए प्लस बी का 1%, एज अ रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विसेज सप्लायर सी सर्विसेज पर 5%, एज अ ट्रेडर नो कंपोजिशन टैक्स बिकॉज इसका टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज जीरो। और सुनिएगा बेटा बात ध्यान से, मान लेते हैं अब ये मैन्युफैक्चरर है ए प्लस बी गुड्स का, सी का ये ट्रेडर है, टैक्सेबल गुड्स का ये ट्रेडर है, एंड डी एग्जेम्प्ट सर्विस है, डी सर्विस है नॉन टैक्सेबल सर्विस। और आपको पता है आज की डेट में आप सर्विस दे रहे हो फिर भी एलिजिबल ऐसा हो सकता है। अब आप इसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब आप अपनी रिस्पेक्टिव कैपेसिटी फिर बोलो, एज अ मैन्युफैक्चरर पॉइंट नंबर वन पढ़ोगे, एज अ ट्रेडर ऑफ गुड्स पॉइंट नंबर थ्री पढ़ोगे, एंड एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस बट रेस्टोरेंट वाली नहीं अदर, आप पॉइंट नंबर थ्री पढ़ोगे। मैन्युफैक्चरर के लिए पॉइंट नंबर वन पढ़ के टैक्स रेट लगाओगे, ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए पॉइंट नंबर थ्री पढ़ के टैक्स रेट लगाओगे, एंड जो सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट दी है एज अ सप्लायर ऑफ अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज उसके लिए भी आप पॉइंट नंबर थ्री पढ़ के टैक्स रेट लगाओगे। पॉइंट नंबर थ्री देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है एनी अदर सप्लायर पॉइंट नंबर थ्री में, इसमें ट्रेडर ऑफ गुड्स भी आएंगे एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज वाले भी पॉइंट नंबर थ्री में आएंगे। और अब आपका आंसर क्या जाएगा जरा ध्यान में रखिएगा, एज अ मैन्युफैक्चरर, अब आप जब बात करेंगे तो आप सिंपली कहेंगे एज अ मैन्युफैक्चरर आपने टर्नओवर इन द स्टेट ए प्लस बी का अचीव किया है, इस पर 1%। एज अ ट्रेडर आपने टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ये अचीव किया है, इसका 1%। एज अ सप्लायर ऑफ अदर सर्विसेज आपने टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना किया है, जीरो, नो कंपोजिशन टैक्स। आप एज अदर सर्विसेज पॉइंट नंबर तीन को पढ़ेंगे एंड पॉइंट नंबर तीन ने टर्नओवर सिर्फ किसका लिया है, टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विस। और अगर आपकी सर्विस एग्जेम सर्विस है, टैक्सेबल सर्विस नहीं है, तो फिर आपका कंपोजिशन टैक्स कितना बना, जीरो। और सुनिएगा, अगर हम इसमें और एक दफा और लास्ट चेंज कर दें और हम ये बोले लेट्स सपोज ये मैन्युफैक्चरर है ए एंड बी का एंड सी एंड डी का ये सर्विस का सप्लायर है, सी भी सर्विस है एंड डी भी सर्विस है, सी टैक्सेबल सर्विस है एंड डी जो है वो नॉन टैक्सेबल सर्विस है बींग एग्जेम्प्ट। तो अब जब ये टैक्स रेट पड़ेगा तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, ए एंड बी एज अ मैन्युफैक्चर पॉइंट नंबर वन से पड़ेगा, सी एंड डी की जो सर्विस है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है दोनों ही, इसके लिए वो क्या पड़ेगा, पॉइंट नंबर थ्री। और पढ़ने का तरीका अब ये जाएगा, एज अ मैन्युफैक्चरर उसने, एज अ मैन्युफैक्चरर उसने टर्नओवर इन द स्टेट क्या किया, एग्जेम्प्ट नॉन एग्जेम्प्ट से मतलब नहीं है, टर्नओवर इन द स्टेट क्या किया, ए प्लस बी,
इस टोटल पर 1%। एज अ अदर सप्लायर ऑफ सर्विसेज उसने टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना किया, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना किया। पॉइंट नंबर थर्ड में अगर वो पड़ेगा तो वो क्या पड़ेगा, टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज कितना किया, और टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज में सिर्फ और सिर्फ सी आएगी, इस सी के ऊपर वो जो है वो 1% का कंपोजिशन टैक्स जो होगा वो भर देगा। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। ध्यान रहेगा सबको, तो आपको सिंप्लीफाइड पॉइंट बोलूं, आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा तो टोटल टर्नओवर लेगा, एग्जाम नॉन एग्जाम कुछ भी हो। एज अ ट्रेडर आप सिर्फ नॉन एग्जाम पर भरते हैं, टैक्सेबल गुड्स पर भरते हैं, एंड एज अ सर्विस सप्लायर भी आप सिर्फ जो टैक्सेबल सर्विसेज होती है उसके टर्नओवर का 1% भरते हैं। बाकी आप सब लोगों की नॉलेज में हो गई, बेटा हमारा क्वेश्चन बैंक अपडेटेड फॉर नवंबर 2019 वो एक महीना लगभग हो चुका है, रिलीज किया जा चुका है, विच इज़ अवेलेबल फॉर परचेज। उसमें कंपोजिशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस से ड्राफ्ट किए गए हैं, आप वहां से और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कंपोजिशन स्कीम में लास्ट अमेंडमेंट जाते जाते जो है नेक्स्ट पेज पर आइएगा, कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड लास्ट अमेंडमेंट हमारे पास इस पॉइंट में आएगी। अच्छा, एक सर्कुलर इशू किया गया है सीबीआईसी की तरफ से, क्वाइट इंटरेस्टिंग सर्कुलर है, इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कंपोजिशन स्कीम में हमने कुछ प्रोविजंस जो पड़े हुए थे वो ऐसा था कि एक पर्सन जब शुरुआत में रजिस्ट्रेशन कराता है तो वो एज अ नॉर्मल पर्सन रजिस्ट्रेशन करा लेता है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाता, पर बाद में उसको ये लगता है यार जीएसटी में एज अ नॉर्मल पर्सन कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, उसको ये लगता है इसलिए मैं कंपोजिशन स्कीम में जाऊँ। तो लो आपको ये अलाउड करता था कि आप शुरुआत में अगर कंपोजिशन सेलेक्ट नहीं करते हैं पर लेटर ऑन कंपोजिशन में स्विच ओवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर, एक नॉर्मल पर्सन वॉज अलाउड टू मेक अ स्विच ओवर टू द कंपोजिशन स्कीम, वो बाद में कंपोजिशन सप्लायर बन सकता था। अब अगर आप लेटर ऑन कंपोजिशन में स्विच ओवर करेंगे तो सिर्फ लॉ ने एक चीज़ ये विजुलाइज करी थी, आप शुरुआत में नॉर्मल पर्सन थे तो आईटीसी लेकर के चल रहे थे, अब आप अगर कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट ओवर करेंगे तो आगे कंपोजिशन में जाने के बाद आप आईटीसी नहीं लोगे, वो तो क्लियर ही है, लेकिन जिस दिन आप स्विच ओवर करोगे उस दिन आपके पास जो स्टॉक होगा जिस पर ऑलरेडी आपने आईटीसी ले रखा है आपको उस स्टॉक के रिस्पेक्ट में आईटीसी रिवर्सल करने पड़ेंगे। आई होप यू रिमेंबर, आईटीसी को लेकर के कुछ स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 18 में मेंशन होते थे, 18 सबसेक्शन 4 ने ये लिखा हुआ था, इफ अ पर्सन रजिस्टर्ड एज नॉर्मल पर्सन वर्किंग विद आईटीसी नाउ मेकिंग अ स्विच ओवर टू द कंपोजिशन स्कीम देन द डेट ही इज स्विचिंग ओवर टू द कंपोजिशन स्कीम, उसको 18(4) में जो होगा वो रिवर्सल्स एज टू द स्टॉक इन हैंड जो होगा वो करना पड़ेगा, एंड द मैनर ऑफ रिवर्सल वो रूल्स में बताया हुआ था। एंड सिमिलरली ऑन द अपोजिट साइड इफ देर इज अ पर्सन हु इज इन टू कंपोजिशन स्कीम बट लेटर ऑन ही इज थिंकिंग कि इट इज बेटर दैट मैं नॉर्मल स्कीम में चला जाऊं, तो वो भी लेटर ऑन स्विच ओवर कर सकता है। अब जब वो कंपोजिशन में था तो विदाउट आईटीसी काम कर रहा था, नॉर्मल में जाएगा तो विद आईटीसी काम करेगा, जिस दिन नॉर्मल में जाएगा उस दिन जो स्टॉक्स होगा उस स्टॉक्स का वो क्रेडिट ले पाएगा, स्पेशल क्रेडिट सेक्शन 18(1) ने अलाउ किए थे। 18(1) कहता था टिल डेट यू आर वर्किंग अंडर कंपोजिशन विदाउट आईटीसी नाउ स्विचिंग ओवर टू नॉर्मल स्कीम तो कोई दिक्कत नहीं है, द डे व्हेन यू आर स्विचिंग ओवर टू दिस नॉर्मल स्कीम आपका अगर कोई स्टॉक है जिसका आपने आईटीसी नहीं लिया है वो आईटीसी आपको अब अवेलेबल करा दिया जाएगा।
ये सेक्शन 18 के प्रोविजंस होते थे जो मैंने आपको बोले हैं, ये सब हमने बेटा पढ़ा हुआ है। सेक्शन 18(4) रिवर्सल कराता था एंड 18(1) जो था वो आपको ITC दिलवाता था। अच्छा, इसमें एक पॉइंट जो था वो और आपका जस्ट रिकलेक्ट करवा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल पर्सन से कंपोजिशन स्कीम में शिफ्ट होना चाहते थे तो स्विच ओवर आपको अलाउड था, लेकिन बेटा इसमें सिर्फ एक ये बात थी, आज डिसाइड करोगे तो इमीडिएट शिफ्टिंग नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर से शिफ्टिंग होगी। आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जाना चाहते हो, आज आपकी डेट मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि 1 अगस्त है, आप 1 अगस्त को ये फील करते हैं कंपोजिशन में जाना है, आप पोर्टल पर इंटीमेशन देंगे, पर पोर्टल आपको आज नहीं शिफ्ट कर देगी, बोलेगी भाई साहब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिशन में काम करोगे, इंतज़ार करो। ऑन द अपोजिट साइड, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और आप 1 अगस्त को डिसाइड करते हो मुझे नॉर्मल में जाना है, आप 1 अगस्त को पोर्टल को बता दो आप कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना चाहते हो, कंपोजिशन स्कीम बोलेगी बहुत अच्छा नॉर्मल बन रहे हो, इमिडिएटली आपको वो जो है वो नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट कर देगी। क्लियर है जी, ये सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये एक बेसिक बात थी जो मैंने आपको समझाई, अब एक स्पेशल और बात सुनो, मुझे पहले आपको बैकग्राउंड प्रोविजन सारे रिकलेक्ट कराने हैं सो दैट CBIC सर्कुलर क्या कहना चाहता है वो आपको समझ आ सके। अब सिचुएशन एक ऐसी समझो कि बेटा मान लीजिए एक पर्सन कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब जो भी प्रीवियस ईयर का टर्नओवर था वो लेट्स सपोज 90 लैक्स था तो ही वाज एलिजिबल, उसने कंपोजिशन स्कीम में जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया और वो 19-20 से कंपोजिशन में काम कर रहा है। और अब कंपोजिशन स्कीम में बेटा जब वो काम करता है, ज़रा ध्यान से सुनना, तो जैसा कि लेटेस्ट एग्जाम्पल बना लेता हूँ, वो गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और साथ में सर्विसेज भी देता है, क्या वो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में चल सकता है? आंसर इज येस। अच्छा, सर्विसेज वो कितनी वैल्यू की दे सकता है, कितनी भी या अप टू सर्टेन लिमिट? अप टू सर्टेन लिमिट, और वो बेटा कितनी लिमिट है वो क्या उसके पिछले साल के टर्नओवर के साथ लिंक रखी गई है? यस। अब अगर 90 लाख का उसका काम था तो मीनिंग देयर बाय उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी हो गई, आप दोहरा सकते हैं थोड़ा स्पीड से मेरे साथ, 10% ऑफ 90 लाख का मतलब 9 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, तो बेसिकली उसके एग्जांपल में 9 लाख की लिमिट जो है वो फिक्स हो गई। अब मान लीजिए हम यहां बात करते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ सितंबर के महीने में उसने सर्विसेज 9 लाख की वैल्यू की दे दी और अक्टूबर के महीने में वो और वैल्यू की सर्विस दे रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 9 लाख तक की परमिसिबल लिमिट थी तो 9 लाख तक के लिए ही एलिजिबल हो, अगर 9 लाख से ऊपर की वैल्यू की सर्विस दोगे देन यू विल बिकम इनएलिजिबल, और इनएलिजिबल बनोगे तो अब आपकी ये ड्यूटी है, अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप पोर्टल पर इंटीमेशन दे करके बताएंगे कि अब मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं रहा हूं, अब तो मैं नॉर्मल पर्सन के तौर पर ड्यूटी जो है टैक्स जो है वो पे कर रहा हूं। मान लीजिए आपके गुड्स के ऊपर 12% का GST रेट है और सर्विसेज के ऊपर 18% का GST रेट है, तो बेटा सेप्टेम्बर के पीरियड के दौरान तक तो आप अपना कंपोजिशन रेट के हिसाब से जो कि 1% है, ट्रेडर ऑफ गुड्स के लिए भी 1% है एंड एज अ अदर सप्लायर ऑफ सर्विस भी 1% है, आप उसके हिसाब से पे कर दो, लेकिन जब 9 लाख से ऊपर जा रहे हो तो अब आपको कंपोजिशन स्कीम के मोहमाया से बाहर आ जाना है और अब आपको गुड्स की अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो 12% का GST बढ़ना है और अगर सर्विसेज की ट्रांजेक्शन करोगे तो फिर 18% का GST बढ़ना है। येस और नो?
यस yes. और ये आपका खुद का मॉरल ऑब्लिगेशन है, स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है. पोर्टल पर इंटीमेशन दे देना कि अब मैं एलिजिबल नहीं रहा हूँ, मुझे नॉर्मल में कन्वर्ट कर दो और इस नॉर्मल के हिसाब से टैक्स भरने रखना. पर बेटा हर आदमी स्टेचुटरी कंप्लायंसेस नहीं कर पाता. मान लीजिए इस आदमी ने लिमिट क्रॉस कर ली थी पर उसके बावजूद भी उसने इस तरीके से टैक्स नहीं भरा, ये कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से ही टैक्स भरता रहा. ये गुड्स पर भी 1% ही भरता रहा और सर्विसेज पर भी ये 1% ही भरता रहा. क्या ये आदमी सही काम कर रहा है? आंसर इज नो. अब ये आदमी गलत है. अब मैं इस बात से कंसर्न नहीं हूं कि इस बेचारे को लॉ ठीक से पता नहीं था इसलिए इसने ऐसा किया, या इसे पता था इसने डेलिबरेटली टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया. मैं इस बात से कंसर्न नहीं हूं. मैं सिर्फ आपका इस बात से कंसर्न हूं कि इसने वो नहीं किया जो कि इसे करना चाहिए था. तो अब सुनिएगा बेटा, अब मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं गवर्नमेंट को इस बात का पता जनवरी में चल जाता है. लेट्स सपोज जनवरी में गवर्नमेंट को इस बात का पता चल जाता है कि इस आदमी ने सितंबर के बाद भी कंपोजिशन स्कीम में ही टैक्स भरा है जबकि नहीं भरना चाहिए था. तो बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, अब क्या करेगा ऑफिसर? तो बेटा ऑफिसर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 पढ़ेगा. कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 बना हुआ था जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर ऑफिसर को ये पता चलता है कि एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है बट फिर भी कंपोजिशन स्कीम में काम कर रहा है, तो ऑफिसर उस पर्सन के अगेंस्ट सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर बेस्ड एक्शन लेगा, डिफरेंशियल टैक्स रिकवर करेगा एंड साथ में पेनल्टीज भी लगाएगा. दोबारा दोहराता हूं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि ऑफिसर को जब पता चलेगा कि इस आदमी ने प्रॉपर काम नहीं किया है, कंपोजिशन स्कीम ली है जिसके लिए एलिजिबल नहीं था, तो ऑफिसर इसके अगेंस्ट सेक्शन 73-74 में शो कॉज नोटिस डिमांड ऑर्डर बेस्ड एक्शन लेगा, डिफरेंशियल टैक्स. जैसे गुड्स के लिए इसने 1% दिया जबकि देना 12% था तो गुड्स का डिफरेंशियल टैक्स हो गया 11%. सर्विसेज के लिए इसने दिया 1% है जबकि 18% था तो डिफरेंशियल टैक्स हो गया 17%. तो वह इससे ये 11% और 17% का डिफरेंशियल टैक्स लेगा एंड साथ में पेनल्टीज जो है वो भी जो होगा वो लगाएगा. ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है. यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 सुनिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम में काम करते हुए पाएगा जबकि वो आदमी कंपोजिशन स्कीम में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो ये एक्शन लेगा. तो बेटा उन्होंने अब एक रूल ये बना रखा है, रूल नंबर 6, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई साहब अगर आपको ये आदमी लग रहा है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है तो सबसे पहले उससे कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करना, विड्रॉ करने के बाद उससे एक्शन ले लेना. सबसे पहले क्या करना, उससे कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ करना. इन द सेंस अगर आपको ये लगता है ये आदमी एलिजिबल नहीं है पर फिर भी कंपोजिशन स्कीम में टैक्स भर रहा है तो पहले ना उसे एक नोटिस भेजना जिसमें उसे रिप्रेजेंटेशंस मंगाना. नोटिस में ये कहना कि भाई साहब हमें नहीं लगता आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो पर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो आप ये बताओ कि आपसे कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ क्यों ना की जाए. उसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो पहले आपको वो कंपोजिशन स्कीम का उसका रजिस्ट्रेशन हटाना पड़ेगा फिर एक्शन लोगे ना. तो उसे एक नोटिस भेजना, उससे रिप्रेजेंटेशंस लेना. नोटिस भेजने के बाद वो आदमी आएगा अपना पक्ष रखेगा. अब पक्ष में अगर वो आपको कुछ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पाए, नहीं नहीं मैं तो एलिजिबल हूं तो बात अलग है, और अगर वो नहीं दे पाएगा तो फिर आप एक ऑर्डर पास करना. इस ऑर्डर को हम बोलेंगे डिनायल ऑर्डर, डिनायल ऑर्डर, डिनायल ऑर्डर फॉर कंपोजिशन. मतलब कि इस ऑर्डर में आप ये, इस ऑर्डर में आप ये मतलब तय करके दे रहे हैं जी आपको कंपोजिशन स्कीम डिनाई की जा रही है बिकॉज हमारे इवैल्यूएशन के हिसाब से आप कंपोजिशन स्कीम के हकदार नहीं रहे हो. और डिनायल ऑर्डर जब आ जाएगा तो डिनायल ऑर्डर आने के बाद जब आपने उसे कंपोजिशन स्कीम मना कर दी है तो अब ये डिनायल ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी आएगा.
आएगा, जिस दिन उसने 9 लाख एक्सीड कर दिया था वो तो उसी दिन इनएलिजिबल हो गया था। ऑर्डर आप आज पास कर रहे हो लेकिन बोलोगे जी उस दिन से आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहे हो। अच्छा, ये सब कार्यवाही कर देने के बाद अब होगा क्या, आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहे हो ये कह दिया गया है, ऑर्डर पास करके ये कह दिया गया है जी आप सितंबर के बाद से कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपने हमारे इस डिनायल ऑर्डर के पास किए जाने के टाइम तक जो भी कम टैक्स भरा है वो कम टैक्स ध्यान में रखते हुए हम आपसे डिफरेंशियल टैक्स अलोंग विद पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10(5) जो है वो रिकवर कर रहे हैं। और डेफिनेटली इस ऑर्डर के पास किए जाने के बाद आगे फ्यूचर में तो क्लैरिटी है ही है कि आपको कंपोजिशन स्कीम से हटा दिया गया है, अब आपको आगे नॉर्मल पर्सन की तरह जो है वो टैक्स पे करना है। अब ध्यान में रखिएगा, जरा डायग्राम्स को ध्यान में देखिएगा, सितंबर तक कंपोजिशन में चले सेक्शन 10 में, आप सेक्शन 10 में चले नो इशू, बिल्कुल सही चले। आप सितंबर से आगे जनवरी में हमारे डिनायल ऑर्डर के पास किए जाने तक भी सेक्शन 10 में चले, बट वो गलत था, हमने वो सेक्शन 10 का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, आपका कंपोजिशन का कैंसिल करके हमने आपसे सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में रिकवरी कर ली। और हमारे डिनायल ऑर्डर के बाद फ्यूचर में तो डेफिनेटली आप सेक्शन 9 के हिसाब से ही टैक्स देने वाले हो बिकॉज हमने आपको कंपोजिशन स्कीम से हटा दिया है। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? यस। अब इशू क्या आ रहा था सीबीआईसी के पास वो समझिएगा, सीबीआईसी के पास इशू क्या आ रहा था वो समझिएगा, बहुत अच्छा इशू है। अब बेटा जब इस आदमी को कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, जब इस आदमी को कंपोजिशन स्कीम से बाहर कर दिया गया तो इस आदमी ने बोला अच्छा अब मैं कंपोजिशन में नहीं रहा, अब मैं नॉर्मल हो गया हूं, और अगर मैं नॉर्मल हो गया हूं तो फिर मैं अपने स्टॉक्स के स्पेशल क्रेडिट्स भी लूंगा, मैं अपने स्टॉक्स इन हैंड के स्पेशल क्रेडिट्स भी लूंगा जो मुझे सेक्शन 18 के हिसाब से अलाउड है। थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा बेटा कनेक्ट होने के लिए, वर्ड को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी ने बोला, ये पर्सन बोला मेरे को कंपोजिशन स्कीम डिनाई कर दी गई है, मतलब मैं अब कंपोजिशन सप्लायर नहीं रहा, आई हैव नाउ बिकम अ नॉर्मल पर्सन, नाउ सिंस आई हैव बिकम अ नॉर्मल पर्सन तो मैं आगे से अब पूरे जीएसटी देने वाला हूं, तो मैं डेफिनेटली वो स्टॉक जो मैंने पहले खरीदा था आईटीसी नहीं लिया था लेकिन मेरे पास इन हैंड है, मैं उसके स्पेशल क्रेडिट्स, मैं उसके स्पेशल क्रेडिट जो होगा वो लूंगा। हमने बोला जी बिल्कुल लीजिएगा, स्पेशल क्रेडिट जो है वो लेना आपका राइट है, आप बिल्कुल ले सकते हैं स्पेशल क्रेडिट, सेक्शन 18 ने बिल्कुल बोला है। उसने बोला ठीक है तो मेरे को स्पेशल क्रेडिट्स दो, डिपार्टमेंट बोला तो स्पेशल क्रेडिट्स आपको लेने हैं तो आप अपना स्टॉक बताओ कि आपका स्टॉक इन हैंड क्या है। तो इसने बोला जी मेरा स्टॉक इन हैंड में कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। अब इस आदमी ने क्या किया बेटा, इस आदमी ने स्टॉक इन हैंड जब हमने इससे मांगा तो इस आदमी ने क्या किया सुनना, ये आदमी अब इस क्वेश्चन में अटका हुआ है कि स्टॉक इन हैंड कौन से दिन का लूँ, जिस दिन जनवरी में ऑफिसर ने इसको डिनायल ऑर्डर दिया है और कंपोजिशन से बाहर कर दिया है उस दिन का स्टॉक इन हैंड लूं, या जिस सितंबर के दिन मेरा 9 लाख का लिमिट कंप्लीट हो गया था और उसके बाद से मैं कंपोजिशन के लिए इनएलिजिबल हो गया था उस दिन का मैं स्टॉक इन हैंड लूं।
बेटा स्टॉक की रेंट आप जानते हैं, स्टॉक पोजीशन डेली बेसिस पर आपकी चेंज हो सकती है। सितंबर अक्टूबर की स्टॉक पोजीशन कुछ और होगी, जनवरी की स्टॉक पोजीशन कुछ और होगी। अब सितंबर में आपने परमिसिबल लिमिट क्रॉस कर ली थी, तो कहने का मतलब यह है कि सितंबर में लिमिट क्रॉस कर ली थी तो आप सितंबर के बाद से ही कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गए थे। तो आप क्या उस दिन का स्टॉक इन हैंड लेंगे, या हम कहें आप बाहर हो तो गए थे पर आपने खुद को बाहर किया नहीं था, आप तो कंपोजिशन में ही चल रहे थे। ऑफिसर ने पकड़ करके जनवरी में बाहर किया, क्योंकि ऑफिसर ने जनवरी में बाहर किया तो ऑफिसर का डिनायल ऑर्डर जो जनवरी का है, तो उस दिन का स्टॉक इन हैंड जो होगा वो लिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपको जो होगा उस स्टॉक के ITC जो होंगे वो सेक्शन 18 के हिसाब से दिए जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि सितंबर में जिस दिन आपने लिमिट क्रॉस करी थी, मान लीजिए उस दिन आपके हाथ में अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक है 10 लाख की वर्थ का, जबकि जनवरी में जिस दिन ऑफिसर ने डिनायल ऑर्डर आपको दिया है उस दिन मान लीजिए आपके पास स्टॉक इन हैंड है 2 लाख के गुड्स का। तो एज अ सप्लायर आपकी कोशिश ये रहेगी कि मैं तो जी 10 लाख वाले का क्रेडिट लूं, जबकि ऑफिसर वो ये कहेगा भाई साहब हमने आपको इस दिन कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया है, तो हम तो ये जो जनवरी वाला स्टॉक इन हैंड है हम तो इससे रिलेटेड ही आपको क्रेडिट्स देंगे। इशू समझ आ रहा है? इस इशू के होने की टेक्निकल वजह ये रही थी बेटा, टेक्निकल वजह ये रही थी, अगर हम सेक्शन 18(1) को उठाते हैं तो 18(1) की लीगल लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर एक पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा था, ही सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, ही सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, देन द डेट ऑन विच ही सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, उसके प्रीसीडिंग डेट पर जो स्टॉक होगा उस स्टॉक का स्पेशल क्रेडिट मिलेगा। और इस बात को लेकर के लगातार डिस्प्यूट हो रहे थे कि इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन किस दिन को बोला जाए दैट ही सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, जिस दिन परमिसिबल लिमिट क्रॉस कर ली उस दिन, या जिस दिन ऑफिसर का डिनायल ऑर्डर आया उस दिन। और इस पर बेटा दो व्यूज हो सकते थे, एक व्यू ये कह सकता था कि जिस दिन आपने परमिसिबल लिमिट क्रॉस कर ली आप उस दिन सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, और अगर आप उसके बाद भी सेक्शन 10 में पे कर रहे हो तो ऑफिसर ने तो उसका इफेक्ट नलीफाई कर दिया, क्योंकि उसने तो डिफरेंशियल टैक्स ले लिया है। तो अकॉर्डिंगली यू इफेक्टिवली सीजेस टू पे टैक्स एज सुन एज यूर लिमिट इज क्रॉस, तो इस दिन का स्टॉक होना चाहिए। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दूसरा व्यू ये कहता था आप ऑफिसर के डिनायल ऑर्डर के बाद यू आर सीजिंग टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, उसके डिनायल ऑर्डर्स के पहले तक तो आप 10 में ही दे रहे थे, आप 10 में दे रहे थे, गलत था वो एक अलग बात है, बट आप 10 में दे रहे थे, ऑफिसर ने 10(5) में रिकवरी एक्शन लिया है, तो इसलिए आप सीजेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 डिनायल ऑर्डर वाले दिन से लिए जाएंगे, बिकॉज डिनायल ऑर्डर के बाद ही पोर्टल ने आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर किया है। आर यू क्लियर एज टू दिस? तो बेटा इस पॉइंट को लेकर के अब सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन ये आई है, सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन ये आई है कि भाई साहब अगर कोई गलत तरीके से कंपोजिशन स्कीम लेते हुए काम करता है, ऑफिसर उसको नोटिस रिप्रेजेंटेशन के बाद डिनायल ऑर्डर देता है, तो डिनायल ऑर्डर भले ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा, डिनायल ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा, डिफरेंशियल टैक्स भी उससे लिया जाएगा, लेकिन सो फार एज स्पेशल क्रेडिट इज कंसर्न, स्पेशल क्रेडिट लेने के लिए जिस दिन का स्टॉक देखा जाएगा वो जिस दिन ऑफिसर का डिनायल ऑर्डर आया उस दिन से एक दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो देखा जाएगा। जिस दिन ऑफिसर का डिनायल ऑर्डर आया उस दिन से एक दिन पहले का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो देखा जाएगा। आई एम ट्राइंग टू नाउ रीडिंग द सर्कुलर फॉर यू।
एंड आई हैव ट्राइड टू मेक एन इलस्ट्रेशन ऑल्सो टू मेक इट मोर सिंपल. मैं लिखा जी रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम एक्शन बाय पीओ. ठीक है, मैंने लिखा मिस्टर ए वॉज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. मान लीजिए वो एलिजिबल ही नहीं था क्योंकि वो कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता था, बट ही ऑप्टेड एंड अवेल कंपोजिशन स्कीम. पर फिर भी उसने कंपोजिशन स्कीम में काम किया. जुलाई 2018 रजिस्ट्रेशन लिया, अपने आप को कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर कर लिया, कंपोजिशन टैक्स देने लगा. जनवरी 2019 प्रॉपर ऑफिसर केम टू नो अबाउट दिस. ऑफिसर को पता चला भाई ये तो गलत कर गया. तो अब हुआ क्या, इसने जुलाई 2018 से लेकर के जनवरी 2019 तक एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड हो करके वो टैक्स भरा. जनवरी में ऑफिसर को जब पता चला तो बेटा सबसे पहले तो ऑफिसर उसे एक नोटिस भेजेगा कि बताओ तुम्हें कंपोजिशन स्कीम डिनाई क्यों ना की जाए. नोटिस का फॉर्म बेटा जीएसटी सीएमपी 05 होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही मेंशन किया. फिर पर्सन को रिप्लाई देना होता है इन द फॉर्म जीएसटी सीएमपी 06, और उसके रिप्लाई के सबमिशन के बाद ऑफिसर फाइनली डिनायल ऑर्डर पास करता है इन द फॉर्म जीएसटी सीएमपी 07. ये सब रूल 6 में लिखी गई स्टोरी है बेटा कि कैसे डिनाइल किया जाता है. रूल 6 में लिखी गई स्टोरी है. रूल 6 ये कहता है नोटिस इशू करोगे और 15 दिन के अंदर रिप्लाई देगी पार्टी, और उसके रिप्लाई के 30 दिन के अंदर आप अपना फाइनल ऑर्डर पास करोगे. अगर रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाते हो तो कंटिन्यू उसको कंपोजिशन स्कीम में काम करने दो, नहीं तो डिनायल ऑर्डर पास करो, उसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकाल दो. अब बेटा डिनायल ऑर्डर जब ऑफिसर पास कर देगा तो डेफिनेटली पास पीरियड के लिए वो डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी उससे लेगा, विच इज़ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी माइनस कंपोजिशन टैक्स पेड, जो वो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ रिकवर करेगा. और इस रिकवरी के उसे पूरे अधिकार है. सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 ने ये क्लियर कट लिखा हुआ है. अच्छा, और एक बार टेंस आपको उन्होंने कंपोजिशन स्कीम का डिनायल ऑर्डर दे दिया तो वो आपको पोर्टल से कंपोजिशन सप्लायर के रजिस्ट्रेशन से बाहर कर देंगे, और कंपोजिशन सप्लायर के रजिस्ट्रेशन से बाहर हो गए तो ऑनवर्ड के पीरियड के लिए अब आपको जीएसटी जो होगा वो सेक्शन 9 नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से देना पड़ेगा, बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन ही नॉर्मल वाला कर दिया गया है. तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईटीसी ऑफ स्टॉक जो आपको लेना है, वो आईटीसी जो होगा वो पुराने डेट के हिसाब से लेना है या डिनायल ऑर्डर वाले दिन के हिसाब से लेना है. तो वो मैंने लिख दिया है रेलेवेंट डेट फॉर रेकनिंग स्टॉक इन हैंड, वो क्या चलेगी, डेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिनायल ऑर्डर. दिस इज द नेट क्रक्स ऑफ द सर्कुलर विच यू आर जस्ट गोइंग टू रीड. देखिएगा सर्कुलर में इशू क्या था, व्हेन एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड बाय टैक्स अथॉरिटीज to deny composition option to the composition taxpayer. What is the effective date of denial of option? जो वो मना करते हैं denial, उसकी date क्या होती है? तो बेटा वो date backdated होती है generally. What is the follow-up action to be taken by the tax authority when the composition option is denied to the taxpayer retrospectively? और अगर आपने उसे backdated denial किया है, then in that situation आपको follow up action क्या लेना है, recover करना है tax. तो वो कहते हैं जी as per rule 6.4 where the PO has reason to believe that the registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provision of act or the rules, वो eligible था ही नहीं कभी, या बीच में उसने कोई प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट कर दिया है जिसकी वजह से वो एलिजिबल नहीं रहा, तो ऐसे केस में ऑफिसर इशू करेगा नोटिस टू पर्सन इन सीएमपी 05, बताओ क्यों डिनाई ना करे, टू शो कॉज एज टू व्हाई द ऑप्शन टू पे टैक्स शैल नॉट बी डिनाइड. अपॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू एससीएन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इनफॉर्म दिस, नोटिस सीएमपी 05 है, रिप्लाई आएगा 06 में. The PO shall, in accordance with the provision of 6.5, issue an order. This is denial order in the form CMP 07 within a period of 30 days of the receipt of such reply. अब इस order में या तो वो उसके submission को accept कर लेंगे,
रीजनेबल समझते हुए और उसे कंपोजिशन में काम करने देंगे, या नहीं ठीक समझेंगे तो फिर वो डिनाई कर देंगे उसे सेक्शन 10 का ऑप्शन। और सेक्शन 10 में अगर उसको डिनाई किया, उन्होंने कंपोजिशन स्कीम डिनाई करी, तो वो डिनाई क्या करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑप्शन। अगर वो शुरुआत से ही इनएलिजिबल था तो बिल्कुल शुरुआत से ही डिनाइल ऑर्डर इफेक्टिव करेंगे, या अगर वो शुरुआत में तो एलिजिबल था, बीच में चल के वो इनएलिजिबल हो गया, तो जिस दिन से वो इनएलिजिबल हो गया उस दिन से इफेक्टिव करेंगे, या फ्रॉम द डेट ऑफ इवेंट अकरिंग सच कॉन्ट्रावेंशन एज द केस मे बी। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ, एक आदमी जो था उसने इंटर स्टेट सप्लाई का काम था लेकिन फिर भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो बेटा इस आदमी को कभी एलिजिबिलिटी थी ही नहीं, ये जब पकड़ा जाएगा बिगनिंग से डिनाइल ऑर्डर इफेक्टिव करेंगे। और मेरा एग्जाम्पल जो दूसरा मैंने शुरुआत में दिया था वो क्या था, ये आदमी एलिजिबल था, 9 लाख से ज़्यादा की सप्लाई होने के बाद इनएलिजिबल हुआ था, तो इस केस में जब वो डिनाइल ऑर्डर पास करेंगे तो बिल्कुल बिगनिंग से नहीं करेंगे, वो किस दिन से इफेक्टिव करेंगे, जिस दिन ये 9 लाख की लिमिट इसने एक्सीड कर दी थी। इट्स क्वाइट एन ऑब्वियस थिंग। तो उन्होंने बता दिया डिनाइल ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्टिव करते हैं, बिल्कुल ही शुरुआत से या जिस भी दिन कॉन्ट्रावेंशन हुआ उस दिन से। अब वो कहते हैं इन केस ऑफ डिनाइल ऑफ ऑप्शन बाय टैक्स अथॉरिटी, अगर डिनाइल किया जाता है बाय द टैक्स अथॉरिटीज, देन द इफेक्टिव डेट ऑफ डिनाइल शैल बी फ्रॉम डेट इंक्लूडिंग रेट्रोस्पेक्टिव डेट एज मे बी डिटरमाइंड बाय टैक्स अथॉरिटी। अगर कभी डिनाइल ऑर्डर आता है तो डिनाइल ऑर्डर की इफेक्टिव डेट टैक्स अथॉरिटी तय करती है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव भी होती है। लिखा ऐसे है कि रेट्रोस्पेक्टिव भी होती है, बट प्रैक्टिकली जनरली वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होती है। इन एनी केस इट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन। और डेफिनेटली हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर तुम इनएलिजिबल हुए बीच में कॉन्ट्रावेंशन करने पर तो हम तुम्हें शुरुआत से ही इनएलिजिबल कर देंगे। हम अगर तुम्हें इनएलिजिबल करेंगे तो जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन हुआ उस दिन से करेंगे। इस लाइन का बेसिकली मतलब ये है बेटा, मेरे एग्जाम्पल में जैसे 9 लाख परमिसिबल लिमिट जो सर्विसेज की थी उसको क्रॉस करने के बाद भी ये कंपोजिशन स्कीम में चलता रहा, तो ऑफिसर जब इस आदमी को पकड़ेगा ना जनवरी में, तो वो इसे जब ये पाएगा कि ये गलत है, इसको कंपोजिशन स्कीम डिनाई करेगा, तो वो ये नहीं बोलेगा मैं तुझे शुरुआत से ही डिनाई कर देता हूँ, नहीं, तो चाहे गंदा आदमी था गलत आदमी था उसके लिए पेनल्टी लगा दूंगा लेकिन तुझे डिनाइल शुरुआत से नहीं करूंगा, तू 9 लाख के बाद इनएलिजिबल हुआ है तो तुझे इस दिन से ही मैं डिनाई करूंगा। बात क्लियर है? फिर आगे वो कहते हैं जी अगले पैरे में, इन सच केसेस, इन सच केसेस का मतलब जहां भी कंपोजिशन स्कीम डिनाई की गई, डिनाइल ऑर्डर दिया गया, इन सच केसेस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(5). अब कंपोजिशन स्कीम से तो बाहर कर दिया, अब जिस दिन से बाहर किया है उस दिन के लिए फॉलो अप क्या करना है, डिफरेंशियल टैक्स लेना है। सेक्शन 10(5) ने जैसा बोला है, द प्रोसीडिंग वुड हैव टू बी इनिशिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 7374 फॉर डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन टिल द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड, ये भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर इन फॉर्म GST CMP 07। फॉर्म GST CMP 07 का मतलब डिनाइल ऑर्डर, जिस दिन डिनाइल ऑर्डर पास कर दिया गया उस दिन आपको पोर्टल से कंपोजिशन के स्टेटस से बाहर कर दिया गया। और क्योंकि अब आपको कंपोजिशन के स्टेटस से बाहर कर दिया गया है तो आप आगे से सेक्शन 10 में टैक्स पे कर ही नहीं पाएंगे, आप सेक्शन 9 में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। तो सुनो बेटा, आप इस दिन इनएलिजिबल हो गए थे फिर भी कंपोजिशन में देते रहे, हमने इस दिन डिनाइल ऑर्डर पास किया, तो दो काम करेंगे, डिनाइल ऑर्डर पास करने के बाद इस दिन के लिए तो रिकवरी एक्शन ले लेंगे इस पीरियड के लिए, और
आगे ऑनवर्ड्स आपकी लाइबिलिटी आएगी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां पर, सेक्शन 9 से। अब लास्ट लाइन है बेटा जिसके लिए ये सर्कुलर बेसिकली वैल्यू रखता है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18(1)(c). सेक्शन 18(1)(c) 18(1)(c) इज अलाउंस ऑफ स्पेशल क्रेडिट। सेक्शन 18 बात करता था आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें से 18(1) कहता था आपको किन केसेस में हम स्पेशल क्रेडिट देंगे। 18(1)(a) कहता था जब कोई आदमी पहली बार रजिस्ट्रेशन लेता है, बी कहता था जब कोई आदमी वॉलंटरीली पहली बार रजिस्ट्रेशन लेता है, एंड सी कहता था जब कोई आदमी कंपोजिशन छोड़ करके नॉर्मल में आता है। तो वो कहते हैं जहां तक सेक्शन 18(1)(c) की बात है, जिसमें कंपोजिशन स्कीम सीज हो जाती है और आप नॉर्मल स्कीम में पे करने लग जाते हो, तो वो कहते हैं जी 18(1)(c) के प्रोविजन अप्लाई करेंगे फॉर क्लेमिंग क्रेडिट ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑन कैपिटल गुड्स ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन डिनायल ऑर्डर पास किया जाएगा, जिस दिन डिनायल ऑर्डर पास किया जाएगा, उस दिन से पिछले वाले दिन का जो स्टॉक होगा वो आपको देखना है। इस डिनायल ऑर्डर ने आपको रेट्रोस्पेक्टिवली डिनाई किया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉक आपको उधर का नहीं देखना, आपको स्टॉक डिनायल ऑर्डर जिस दिन आया है उस दिन से एक दिन पहले का स्टॉक जो है वो देखना है। पॉइंट टू बी नोटेड, डिनायल ऑर्डर आज है, 6 महीने पहले से इफेक्टिव है, तो जिस दिन से इफेक्टिव है रेट्रोस्पेक्टिवली वहां का स्टॉक पोजीशन नहीं देखनी, जिस दिन डिनायल ऑर्डर पास किया गया है उसके पिछले दिन की स्टॉक पोजीशन जो है वो देखनी है, और उस दिन जो स्टॉक है उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? ये एक अच्छा इश्यू है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो विद दिस हमारे पास कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट जो है वो बेटा कंप्लीट होती है।